तो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं रहती है, इट इज समथिंग दैट वी वॉन्ट टू सॉल्व. तो इट्स ऑल अबाउट आवर माइंडसेट. एक्सटर्नल सिचुएशन, जैसे कि अभी भी आप देख रहे हो कोरोना वायरस का सिचुएशन है, COVID-19 आ चुका है, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग प्रकार की दिक्कतें हो रही है जो कभी सोचा भी नहीं था. लेकिन वंस यू लर्न हाउ टू डील विथ योर सेल्फ फर्स्ट, देन यू कैन डेफिनेटली डील विथ ऑल दिस एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स. तो सर सीधा हम लोग जो आज का टॉपिक है, स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आती है. आई डोंट लाइक टू Yes. यूज द वर्ड प्रॉब्लम्स बिकॉज प्रॉब्लम बोल दिया मतलब शायद उसका सोल्यूशन नहीं होगा. तो वी विल कम टू दिस टॉपिक. यस सर. हर बच्चे की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो मेजरली मैं एक अपनी स्टोरी बताना चाहूंगा, अपनी खुद की लाइफ की स्टोरी, जिसमें तीन चार प्रॉब्लम जो आपने रिस्पॉन्स शीट में डाला है वो कवर हो जाएंगे. तो द थिंग इज 10 तक के ना आई वॉज नॉट गुड इन एनीथिंग. मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स को सुनाया भी होगा. अब एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था कि क्या होता है. तो द थिंग इज जो भी बच्चा होता है ना, वो या तो सब सब्जेक्ट्स में अच्छा होता है या तो सब सब्जेक्ट्स में बुरा होता है. ऐसा नहीं होता, जैसे मैं एक एक्सेप्शन था मेरे टीचर्स के हिसाब से. आई वॉज ओनली गुड इन मैथमेटिक्स, बाकी सब सब्जेक्ट्स, बाकी सारी एक्टिविटीज सब में बिलो एवरेज है ना. चाहे डांस बोलो, चाहे गाना बोलो या स्पोर्ट्स बोलो. हाँ, स्पोर्ट्स में आई वॉज सो हार्ड वर्किंग. मैं स्कूल के हर स्पोर्ट की टीम में था, मगर एक्स्ट्रास में. तो बस मैं कभी जान नहीं पाया कि क्यों मैं अच्छा नहीं कर पाया. इनफैक्ट मैंने कभी सोचा भी नहीं, बस मैं चलता गया चलता गया चलता गया. अचानक, मतलब हमेशा ये फेलियर या लूजरशिप बोलो या जो भी चीज़ अपनी लाइफ में आती गई, अचानक से बर्डी में एक बुक डेपो में खड़े होके मुझे शिवखेड़ा की एक बुक दिखी, यू कैन विन. अच्छा, मुझे लगा अच्छा आई कैन विन, मैं तो अब तक कभी नहीं जीता, तो एक्सेप्ट फॉर मैथमेटिक्स. तो देखा अच्छा यू कैन विन, बुक खरीदा, वो पढ़ा. दोस्तों ने मेरे साथ, एक तो भैया लोग थे हॉस्टलाइट्स, तो उन्होंने रेफर किया वो बुक, वो पढ़ा. वो पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि यार यस आई कैन लिटरली अचीव समथिंग, या आई कैन लिटरली विन इन एनीथिंग आई आई विल थिंक ऑफ इट. तो उसके बाद फिर एक बुक आई लाइफ में, द सीक्रेट. हमारे टाइम पे 2007 2008 में वो एकदम मैजिकल बुक थी. ऐसा लगता था कि जिसके हाथ में बुक है ऐसा लगता था कि अपन भगवान बन गए, सॉर्ट ऑफ. तो बुक कहती थी कि 3 स्टेप में आप दुनिया की हर चीज पा सकते हो. हालांकि इट वॉज एन एक्चुअली दैट थिंग, बट हाँ इनिशियली वो सब चीजें सीखने के लिए बहुत अच्छी बुक थी, द सीक्रेट बाय रोंडा ब्राइन. उसके बाद वो बुक इतनी चली कि कम से कम 200 ऑथर ने सेम टॉपिक पे किताब लिखी. तो 3 स्टेप थी. पहला कि आप सोचो कि आप कुछ करना चाहते हो, क्या आई हैव टू थिंक, क्या हाँ मुझे CA फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है फॉर एग्जाम्पल, या मुझे ये स्पोर्ट्स में ये मैच कैसे तो भी जीतना है, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप उसका था कि बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ कि हाँ तुम कर पाओगे. अब थर्ड स्टेप था कि यू विल इवेंचुअली आफ्टर हार्ड वर्क तुम उसे रिसीव करोगे, बस खुद पे डाउट मत करो. तो ऐसे सिंपल सी 3 स्टेप्स थी. हाँ ऑब्वियसली बिना हार्डवर्क के बहुत लोगों ने ये स्टेप्स को फॉलो करने का ट्राई किया, मगर हो नहीं पाया. बट हाँ कुछ लोगों ने सिर्फ हार्डवर्क किया, सोचा ही नहीं, बिलीव नहीं किया खुद पे, तो भी नहीं हुआ. तो जिन्होंने हार्डवर्क किया और ये 3 स्टेप्स फॉलो किया, अच्छा बिग सोचा, ड्रीम किया अच्छा, उसके बाद बिलीव किया खुद पे एंड कभी डाउट नहीं किया, तो डेफिनेटली उनका हार्डवर्क ने उनको रिजल्ट दिया और वो लोग कुछ अचीव कर पाए. तो बस यही मेरे साथ भी हुआ था कि 11th में मैंने सोचा, 11th में ही ना मैं साइंस में था एक्सीडेंटली, मुझे पता नहीं था कि कॉमर्स नाम की चीज होती है CBSE में, कुछ उसमें मैथ्स भी होता है, ये तक नहीं पता था तब. तो मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस दिया साइंस के थ्रू, मैं CA करने आया. उसके बाद मेरे साथ जो भैया थे ना, वो लोग एक्चुअली CA कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा अरे यार देखो तो सब आता है, तेरी इंग्लिश अच्छी है, मतलब थोड़ी ठीक ठीक है, तेरा मैथ्स अच्छा है ना, तू पढ़ता है रोज, मतलब स्कूल से आने का तू में पढ़ने की हिम्मत है, मतलब नहीं तो कोई पढ़ता नहीं है घर जाके जनरली. तो बोले कि तू तो यार ऑल इंडिया रैंक ला सकता है, तू तो यार CA में फर्स्ट अटेम्प्ट पास हो सकता है, यू कैन बी नागपुर टॉपर, ऐसी ऐसी चीजें. तो मैंने सोचा अच्छा मैं कर सकता हूँ. तो पहला बीज वो भैया लोगों ने बोया था और फिर मैं सोचना चालू कर दिया कि अच्छा मैं करूंगा. तो 11th 12th में मैंने सोचा कि मैं CA में बहुत अच्छे से पढ़ने वाला हूँ, है ना. मैंने 11th 12th में सोचा कि CA की पढ़ाई बहुत अच्छे से करूंगा. तो देखो सोचना भी आ गया, खुद पे बिलीव करने लगा, क्योंकि भैया लोग इतने बार बोले कि यस नीरज यू कैन डू इट, बिलीव करने लगा और अल्टीमेटली वो चीज अचीव किया कि यार बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आया, है ना. तो अल्टीमेटली यही कहना है कि इफ यू थिंक ऑफ इट एंड देन यू वर्क अपॉन इट, तो डेफिनेटली रिजल्ट देगा. जबकि आई हैव ऑलवेज बीन हार्ड वर्कर, बट रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, क्योंकि कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे अच्छा करना है. इनफैक्ट मुझे पता ही नहीं था ये इंस्पिरेशन क्या होता है, ये मोटिवेशन क्या होता है, कब काम आता है. बट देन धीरे धीरे ये सब चीजों को जाना
और अभी पता है कि मुझे अभी भी पता है कि यार लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब मूड डाउन हो जाता है, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे मोबाइल में ना एक दो पोयम सेव है, बस मेरा मूड ऑफ हो मैं वो पोयम निकाल के पढ़ू, या एक सॉन्ग है जो मैं सुन लू तो मेरा मूड अच्छा हो जाएगा। तो बैकअप प्लान बोलते हैं ना, बैकअप बैकअप बना के रखा है। तो यस, ये होता है इंस्पिरेशन, कुछ ना कुछ चीज हो जो मूड ऑफ होने के बाद भी आपको गुड फील कराए, पॉजिटिव फील कराए, क्योंकि पॉजिटिव फील करने के बाद आपका जो रास्ता होगा ना वो बहुत इजी वाला रास्ता होगा। क्या कहते हैं पवन सर? सही बात है सर। मैंने एक मेडिटेशन वाला कोर्स किया था, तो वहां पर एक पोस्टर लगा था जिसपे लिखा था, एक हंसता हुआ आदमी इतने काम कर सकता है जितने 10 रोते हुए लोग नहीं कर सकते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में अगर हम लोग कोई भी टाइप के चैलेंज को अगर अप्रोच करें, तो इट इज अ फैक्ट कि हम लोग उसमें ज्यादा अच्छा हम लोग उसको टैकल कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड कि कई चीजों में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती है, प्रैक्टिकल चैलेंजेस आते हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई चैलेंज आपके सामने है तो आपको सॉल्व तो करना ही है। तो या तो हंसते हंसते करो या तो रोते रोते करो, अब ये तो आपका चॉइस है। तो आई थिंक कि वी कैन ऑलवेज मेक अ चॉइस। जैसे कि मैं सिंपल सा एक एग्जांपल बताऊं, तो मेरी जो भतीजी है वो ना स्कूल जाने के लिए बचपन में बहुत रोती थी। तो मेरी मम्मी उसको सिर्फ इतना ही बोलती थी सुबह कि बेटा स्कूल तो तुझे जाना ही है, अब हंसते हंसते जाना है या रोते रोते जाना है, ये तू चूज कर ले। तो अब वैसे ही है जैसे आपकी एग्जाम आ रही है, मान लीजिए कि आपकी जून महीने में कोई एग्जाम आ रही है, ओके फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको वो एग्जाम के लिए पढ़ना तो है ही, अब चूज कर लीजिए, या तो हंसते हंसते पढ़ना है, उसको पॉजिटिवली अप्रोच करना है, या तो रोते रोते पढ़ना है, तो कंप्लेन करते करते पढ़ना है। क्योंकि देखिए, आप जितना कंप्लेन करोगे, कंप्लेन करने के लिए आपको और चीजें मिलते जाएगी, और आप जितना आप चीजों के लिए ग्रेटफुल रहोगे कि कम से कम हमको पढ़ने तो मिल रहा है, कम से कम हमारे पास इतनी सारी सुविधाएं तो है। जैसे आज आप अगर इंटरनेट कनेक्शन लेकर के ये सेशन देख पा रहे हो, अटेंड कर पा रहे हो, तो ये सुविधा ही तो है आपके पास में। कितने सारे और स्टूडेंट्स होंगे इंडिया में जो इस तरीके का कुछ सेशन चाहते होंगे, बट उनको इंटरनेट नहीं होने के कारण और इस तरीके का एक्सेस नहीं मिल पा रहा है। तो वी शुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर वॉट वी हैव, एंड देन इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। बट इफ यू कीप ऑन कंप्लेनिंग कि नहीं यार मेरे पास तो ये फैसिलिटी नहीं है, वो नहीं है, तो फिर तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो एंडलेस लिस्ट है जो कि बन जाएगी। तो एज अ स्टूडेंट अपफ्रंट सर, मेरी जो कहानी थी, आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेटफुल स्टूडेंट कि भाई जो मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मुझे बहुत ज्यादा ही मिला बचपन से, आई वॉज ऑलवेज अमंग अ क्लास ऑफ अ सिंगल सेक्शन। हमारी क्लास में स्कूल में सिंगल सेक्शन था, तो उसमें KG 2 में तो सिर्फ 12 बच्चे थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड में 29 बच्चे थे, और एक कोई भी साल में 40 से ज्यादा कभी स्टूडेंट्स नहीं थे, नॉट मोर देन 40। तो वो क्लास में क्या था, हमको टीचर्स का बहुत अटेंशन मिला, और पर्टिकुलरली हमारी बैच, हमारे स्कूल में वन ऑफ द सीनियर बैचेस थी, हमारी जो स्कूल की ब्रांच थी वो उस समय ग्रो हो रही थी, तो हमारी सेकेंड मोस्ट सीनियर बैच थी। तो जितने स्कूल की तरफ से कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना है, एवरीवेयर आई वॉज गिवेन अ प्रिफरेंस, वेदर इट वॉज म्यूजिक, वेदर इट वॉज मैथ, साइंस, इंग्लिश, पोएट्री, स्पोर्ट्स, आर्ट, कोई भी चीज, भले ही मैं हर चीज में उतना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे मौके बहुत मिले। एंड मेरी मम्मी ने भी मुझे हर चीज में एंकरेज किया कि नहीं जा, पार्टिसिपेट कर, गो एवरीवेयर। तो उस समय से मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस, जो सर आपने बिलीफ की बात किया, वो काफी बढ़ गया। एंड मुझे ऐसा नहीं था कि हर जगह जाकर के जीतना ही है। यस, कोशिश अपनी बेस्ट करते थे, बट मैंने हारना सीख लिया था। हमारी जो स्कूल की टीम थी वो कोई भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन हार के आती थी, फर्स्ट मैच में नॉकआउट होके आती थी, एंड आई वॉज अ पार्ट ऑफ मेनी ऑफ देम। देन हमारी म्यूजिक की टीम थी, तो हम लोग मेहनत खूब करते थे, लेकिन हम लोग हार्डली 5-6 में से एक आध बार ट्रॉफी लेकर के आते थे, क्योंकि उस समय हमारी एक बडिंग स्कूल थी, बाकी जगह बहुत एक्सपीरियंस था और बहुत सिलेक्टेड स्टूडेंट्स थे। हमारे यहाँ जो अवेलेबल लॉट था उसमें से पार्टिसिपेशन था। तो हमको हारना और फेलियर क्या होता है उसको फेस करना, ये सब चीजों के थ्रू आ गया था। तो हार का जब डर खत्म हो जाता है तो हम लोग गेम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। तो आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉयिंग द प्रोसेस। मैंने स्कूल लाइफ से ही पढ़ाई के प्रोसेस को भी एंजॉय किया। ऐसा नहीं है कि मुझे होमवर्क करने में बहुत मजा आता था। फ्राइडे इवनिंग को अगर होमवर्क मिला तो मैं संडे को रात को 12 बजे के बाद करता था, लेकिन मंडे की क्लास में मैं होमवर्क करके बैठता था। तो बात ऐसी थी कि इट इज अबाउट द अप्रोच, आपने खुद के लिए क्या ठान लिया है कि वेदर यू वॉन्ट टू कीप थिंग्स इजी फॉर यू और वेदर यू वॉन्ट टू अप्रोच। आपको कोई टास्क मिला है तो आप कर तो लोगे। तो उस हिसाब से मेरा अप्रोच रहा सर, एंड आई हैव बीन वेरी लकी।
उसके बाद 11th एंड 10th स्टैंडर्ड 10th में मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक आया सीबीएसई में, आई गॉट 98.2%। एंड उस पल जो उस वो चार दिन जो मेरे पेरेंट्स की खुशी थी, मेरे बड़े भैया की खुशी थी, मेरे फ्रेंड्स लोगों की खुशी थी, उसके लिए वो जो दो तीन मैंने पढ़ाई किया वो एकदम वर्थ इट था। मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा इतना अच्छा रैंक आ सकता है, लेकिन मेरे टीचर्स ने मेरे माइंड में ये सीड सो कर दिया था कि पवन यू कैन इवन स्कोर ऑल इंडिया रैंक, सोचो उसके बारे में। एंड इट एक्चुअली टर्नड आउट टू बी ट्रू। जबकि कभी सर मैंने रैंक सोच करके या इतने मार्क्स आएंगे सोच करके पढ़ाई नहीं किया, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ। मेरा फोकस था कि जो मेरे कंट्रोल में है उसको अच्छे से करते जाना है। तो वॉट इज इन माई कंट्रोल इज स्टडीज, वॉट इज नॉट इन माई कंट्रोल इज द रिजल्ट। तो आई यूज टू फोकस ऑन द स्टडीज कि भाई इतना सिलेबस है ये डेट तक के, उसको 3 बार कंप्लीट करना है। तो बस वो मेरे कंट्रोल में था, उसी को बार 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 ट्रैक करते जा रहा था। एंड इवेंचुअली 10th का रिजल्ट इट वॉज जस्ट अ फ्यूल टू द नेक्स्ट सक्सेस, देन दैट वॉज द फ्यूल टू द नेक्स्ट सक्सेस एंड जस्ट इट केप्ट ऑन हैपनिंग। एंड अभी भी मैं जो भी काम लेता हूँ, जो भी चैलेंज लेता हूँ, उसको मैं इंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। एंड आई स्टार्ट टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज। जैसे अभी COVID-19 आया तो हमको ये सॉफ्टवेयर सीखने मिला, हमको हमारे लैपटॉप का सही यूज पता चला, देन स्टूडेंट से और कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इट वॉज जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। अगर हम लोग घर पे रोके बैठ जाते थे कि अरे COVID-19 आ गया, क्लासेस बंद हो गई, तो हम स्टूडेंट्स तक के कैसे पहुंचेंगे, तो कुछ नहीं कर सकते थे। सो दैट इज एन अप्रोच दैट वी डेवलप। तो पढ़ाई में भी लाख दिक्कतें क्यों ना आए, अगर आप सोल्यूशन की तरफ सोचते हो, हम एक सर को बहुत फॉलो करते हैं, अविनाश देवस्कर सर, हु इज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। सर बोलते हैं इफ यू आर नॉट द सोल्यूशन देन यू आर द पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। तो हमको सोल्यूशन बनना है, तो हमको हर चीज में जो भी दिक्कत आ रही है उसका सोल्यूशन क्या है वो सोचना है। इसीलिए आज के सेशन का टाइटल भी था हार्डशिप्स फेस्ड इन स्टूडेंट्स लाइफ एंड हाउ टू कॉन्कर देम। तो इट इज नॉट दैट हार्डशिप्स क्या है वो बताएंगे, उससे डील कैसे करना, सॉल्व कैसे करना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। नीरज सर आप म्यूट है सर, स्क्रीन शेयर करता हूं एक बार। यस सर। देखो हर चीज का एक ही सिंगल फॉर्मूला जनरली ऑब्जर्व किया, मतलब एक ब्रॉडर टर्म्स में, हालांकि देर आर मेनी थेरीज मेनी चीजें, बट एक स्टूडेंट लाइफ में जैसे सर ने कहा हम भी स्टूडेंट है सीख रहे हैं, मगर जो स्टूडेंट लाइफ हमारी हो चुकी है उसमें एक ब्रॉडर टर्म्स में एक चीज देखी गई है कि समीरा स्क्रीन आ गया है। यस सर। तो ये 1 लिखा हुआ दिख रहा है आपको? नहीं सर, 2 मिनट रुक जाइए। हाँ आया है? नहीं सर, आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए सर। यस, एक सेकेंड। तो द थिंग इज हम लोग एक ब्रॉडर टर्म्स में ना 3 चीजों में पूरा समअप कर सकते हैं कि यार कोई भी चीज करना है ना तो उसके लिए एक स्ट्रांग गोल होना चाहिए, जैसे कि बात हुई स्टार्टिंग में, है ना, सिंपल सी 3 स्टेप्स। पहला एक आपका स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए जिसकी तरफ आपको दौड़ना है, मगर सिर्फ सपना देख लिया, ड्रीम सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया तो आपका वो सीधे तरीके से अचीव नहीं होगा, उसके लिए गोल तो बहुत दूर होगा ना, है ना, तो गोल तक के आपको फास्ट दौड़ के जाना होगा या जैसे भी खरगोश कछुए के समान जाना होगा। तो यू नीड टू हैव हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विथ इट। तो फर्स्ट स्टेप मैं कहूँगा गोल होना चाहिए, सेकेंड यू नीड टू वर्क वेरी हार्ड एंड थोड़ा सा स्मार्ट वर्क साथ में जोड़ते हुए टूवर्ड्स योर गोल, एंड थर्ड जो बीच में आता है वो है यू नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि आप कोई भी रोड पे दौड़ोगे तो रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां या बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, तो यू नीड टू अवॉइड दोज डिस्ट्रैक्शंस। तो बस ये 3 स्टेप का प्रोसेस है अगर छोटा छोटा बोला जाए तो। बहुत सारी थेरीज होती है मगर शॉर्ट में हैव अ स्ट्रांग गोल, सेकेंड उसकी तरफ बहुत हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करो, एंड थर्ड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। तो मुझे लगता है कि आसानी के साथ कोई भी चीज अचीव हो सकती है। तो बात करें हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क की, है ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो कभी कभी होता है ना, आपने देखा होगा कि आपने बचपन में हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, है ना, तो अब वो तो बहुत लोगों को याद हो गया होगा जो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट द थिंग इज हार्ड वर्क के टाइम, सपोज आप 2+2 5 याद करते हो, आपने बहुत प्रैक्टिस किया, इसे कहते हैं हार्ड वर्क, मगर बिकॉज 2+2 इज नॉट 5 तो ये आपका स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा है। तो कभी कभी आपको समझना होगा कि आपका हार्ड वर्क भी सही डायरेक्शन में है कि नहीं, मतलब थोड़ी स्मार्टनेस लगानी होगी।
इसके अलावा जैसे आपने आईसीआई को देखा होगा, आईसीएआई के करीबन 100 टोल फ्री नंबर्स है, हमें केवल या एक याद होता है, बाकी के 10 या 100 याद करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग के डिजिट्स तो सेम होते हैं, सिर्फ आखिरी के एक या दो डिजिट में थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो दिस इज व्हाट इज स्मार्ट वर्क। अकाउंटेंसी पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें ना मान लो मैथ्स में भी अगर 10 स्टेप का प्रॉब्लम है तो 8 स्टेप मोटा मोटा हमेशा सेम होती है, 9th और 10th वाली चेंज होती है, तो बार बार 10 की 10 स्टेप पढ़ने में कोई मीनिंग नहीं बनता। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि 8 स्टेप अगर कॉन्स्टेंट है तो उसको बार बार मत पढ़ो, आखिरी की जो 2 न्यू स्टेप्स है उसमें आप लोग मेहनत करो। तो दिस इज व्हाट इज हार्ड वर्क का कनेक्शन अलॉन्ग विथ स्मार्ट वर्क। तो है इजी, बट द थिंग इज अब प्रॉब्लम ये आता है कि कभी कभी हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। अब कैसा होता है ना, इंटरेस्ट क्यों नहीं बन पाता, तो क्या हुआ था ना, मेरा 10th में ना बायोलॉजी बहुत वीक था, बहुत मतलब मैंने डिसाइड किया था डॉक्टरी तो करना नहीं है ना, बायो वीक था, इंजीनियरिंग करना नहीं था, इसलिए मैंने सीए का डिसाइड किया था। बट देन 10th में एक चैप्टर था हेरिडिटी, मेरी दीदी डॉक्टर है, उन्होंने मुझे कहा कि नीरज तुझे हेरिडिटी नहीं समझा, मैं तुझे समझा देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, मतलब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो दीदी ने मुझे हेरिडिटी चैप्टर पढ़ाया, चैप्टर पढ़ने के बाद मैं घर आके मम्मी को बोला, मम्मी यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मुझे चैप्टर इतने अच्छे से समझा। तो जैसे ही मुझे चैप्टर समझा तो लगा देखो मेरा पूरा ड्रीम चेंज हो गया कि मैं डॉक्टरी कर सकता हूँ। तो व्हाट वाज द रीजन डॉक्टरी नहीं करने का, कि मेरा बायो वीक था। मगर वीक क्यों था, ये प्रॉब्लम मुझ में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ना वो मुझे समझा नहीं था, और समझा नहीं था तो मैं आगे और ध्यान नहीं देता था क्लास में, है ना, ध्यान नहीं दिया तो और नहीं समझा, नहीं समझा और ध्यान नहीं दिया, एक गोल गोल चलता रहा चलता रहा। एक बार हेरिडिटी मुझे समझा तो मैंने क्लास में 6th चैप्टर में ध्यान दिया, मुझे वो भी समझा, वो समझा तो मैंने 7th में ध्यान दिया, 7th में ध्यान दिया तो मुझे नेक्स्ट भी समझा, एंड वो राउंड राउंड में मेरा अल्टीमेटली वो सब्जेक्ट अच्छा होता गया। तो द थिंग इज ये आपका सर्कल ना फंस जाते हैं अपन कभी सर्कल में, तो द थिंग इज एक बार खुद को पुश करना होता है कि यार एक बार कैसे तो भी जमा लो, एक बार जम गया ना बेटर स्टार्ट इज हाफ डन, एक बार अगर कोई चीज जम जाए तो ऑटोमेटिकली होने लगेगी, बट फर्स्ट स्टेप जो लेना होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है। जैसे अपन नहाते ना ठंडी में, ठंडी में ठंडे पानी से नहाओ तो एक पहला मग्घा जो होता है या पहला शावर का जो इनिशियल पार्ट होता है वो बहुत ठंडा लगेगा, लेकिन उसके बाद प्रोसेस में हम लोग जाते जाते हैं। तो द थिंग इज फर्स्ट स्टेप इज हाफ डन, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा लेना सीखिए, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमेशा वापस आने का रास्ता भी होता है, एंड वी हैव नथिंग टू लूज, क्या हो जाएगा ना, एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे तो ये तो एज अपनी एक्सपेरिमेंट्स की है, और बहुत लोग ट्राई करते रहते हैं एक्सपेरिमेंट्स करने का, तो कहना ये कि एक्सपेरिमेंट्स नेवर गो वेस्ट। तो पवन यस सर, सर, यस सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही थी तो मैंने मेरी स्क्रीन ला एक्चुअली दिया था। मैंने स्टार्ट ब्रॉडकास्ट नहीं किया था। हाँ कोई बात नहीं सर, अभी बंद रख देते स्क्रीन। यस यस सर। तो फ्रेंड्स, नीरज सर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जैसे नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। तो जब तक कि कोई चीज हो नहीं जाती है ना, तब तक वो इम्पॉसिबल लगती है। जैसे कि हम लोग कोई सिंपल सी बात करें तो मैथ्स का कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो तो जब तक कि उसका आंसर नहीं मिलता है, या कोई पजल कर रहे हो। अभी मैंने रिसेंटली ना जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हर रोज एक एक पजल शेयर किया था अपने व्हाट्सएप स्टोरी में, इंस्टाग्राम स्टोरी में। तो बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने रिप्लाई किया। तो पजल में ये मजा आता है कि जब तक वो सॉल्व नहीं होता है तब तक वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, और एक बार सॉल्व हो जाता है तो फिर वो सडनली इजी लगने लगता है, एक बार आपको समझ गया कैसे होता है। तो ठीक वैसे ही बात है, जब कोई भी चीज जब तक की पढ़ाई में भी होती नहीं है, समझती नहीं है, तब तक की वो बहुत डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ लगती है। लेकिन जब वो हो जाती है, वंस इट इज डन, इट इज डन। और कोई भी चीज में, कोई भी चीज में ये 3 स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट इट इज वेरी इजी, जब आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में तो आपको लगता है हाँ ठीक है, सीए के कोर्स में क्या है, एक एग्जाम देना है, फिर दूसरी एग्जाम देना है, फिर तीसरी एग्जाम देना है। बट जब आप घुसते हो तो आपको पता चलता है अच्छा, पहले एग्जाम में इतना बड़ा सिलेबस है, तो फिर वो डिफिकल्ट लगती है थ्रू आउट द प्रोसेस। फिर जब वो हो जाता है तो आप बोलते हो कि अच्छा ये तो हो गया। अब जैसे हम लोगों को पूछो तो हम नहीं बोलेंगे कि सीए कोर्स बहुत टफ था, हम लोग तो बोलेंगे सीए कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे उससे भी ज्यादा टफ वाले चैलेंजेस आए, राइट सर? यस तो एक्चुअली सीए, टफ, यस सर। वो टफ हो गया तो अपनी सर कंटिन्यू कंटिन्यू। तो सीए कोर्स की अगर बात करें तो आज हमारे साथ में एक बहुत स्पेशल एक गेस्ट मौजूद है इसी वेबिनार में, तो जिनको मैं इनवाइट करूंगा। ही इज मिस्टर यश हेड़ा, हु इज आर ब्रदर, एंड ही हैज कंप्लीटेड सीए कोर्स विथ वेरी गुड ऑल इंडिया रैंक्स। सीए कर लिया है, सीएस कर लिया है, सीएफए का कोर्स कर लिया है, एंड
he has also got very good ranks in all these exams. He is enjoying his life. He's right now working in BCG Mumbai, and still he is preparing for further exams. आगे MBA करना चाहता है. A very talented, skillful, and helpful young person, Yash. Yash, are you here, Yash? Yes. So, can we see your video? I have started the video. Yes, there you are. दिख रहे हो. Yes. So, मैं यश से कुछ पूछना चाहूंगा कि यश, you have also been a student. I remember कि आपका जब standard 12th का exam result आया था, तो AIEEE के entrance form में आपके percentage लिखने की possibility नहीं थी, क्योंकि उसमें दो ही digit का option था, और आपके result में तीन digit के percentage आए थे. Am I right? Yes. हाँ. गोल तो सबका होगा कि हाँ सीए बनना है, बट नीरज सर ने क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग गोल चाहिए. अब ये स्ट्रॉन्ग गोल कहाँ से लाना, क्योंकि आई एम श्योर सबका गोल होगा जो वेबिनार अटेंड कर रहे हैं कि हाँ सीए तो करना है या और कुछ करना है, ट्वेल्थ करना है, राइट. सो मैं खुद की स्टोरी बताऊंगा, तो लाइक 8-9 तक मैंने कभी इतना कुछ नहीं पढ़ा. हाँ ठीक है, चल रही है स्कूल एंड ऑल. 10th में आई स्कोर्ड बहुत वेरी वेल. लाइक अचानक से मेरे को 8-9 तक नॉर्मल, यानी नॉर्मल अच्छे आ रहे थे बट नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. 10th में आई स्कोर्ड एक्स्ट्राऑर्डिनरी. 12th में वापिस आई केम टू गुड लेवल, राइट. देन सीपीटी अगेन गुड, एंड देन आईपीसीसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब ये कैसे हुआ, तो आई ऑब्जर्व कि क्या डिफरेंस था मेरे एटीट्यूड में. और तो 8-9 तक लाइक मेरे को पता नहीं था हाँ एग्जाम देके होने क्या वाला है. लाइक आई वाज नॉट श्योर कि हाँ एग्जाम हो रही है तो मैं देता था, ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं था, राइट. या कोई गोल था 8th पास करना है. 10th में क्या हुआ, 10th में आप सब रिलेट कर पाओगे, 10th में सब लोग बोलते थे 10th पास हो जाओ तो तुम्हारी लाइफ सेट है, जब स्कूल में रहते थे, राइट. तो मैंने बिलीव कर लिया कि हाँ 10th पास हो गया अच्छी से तो लाइफ सेट हो गई है, राइट. तो आई बिलीव दैट. सो और मैंने और कुछ नहीं सोचा. तो लाइक लाइफ में बहुत वेरिएबल्स होते हैं. लाइक जस्ट फॉर नॉर्मल एग्जांपल, बचपन में अगर थोड़ा सा खून निकल जाए तो रोने लग जाते, क्योंकि पता ही नहीं है ना हो क्या रहा है, राइट. बट अगर आपको पता है, थोड़े बड़े हो गए, खून निकला, जाओ हल्दी लगा लो, बैंडेज लगा लो, ठीक हो जाएगा, तो आप पैनिक नहीं करते हो, पूरा फोकस रहता है, फटाफट वो खून बंद करो. तब आप वो नहीं बोलते हाँ चल दो व्हाट्सएप मैसेज देख लेता उसके बाद खून बंद करूंगा, क्योंकि यू नो कि क्या होने वाला है, राइट. तो 10th में मैंने मान लिया था कि 10th अच्छा हो गया तो मैं, मेरी लाइफ सेट है, राइट. मेरे और कोई वेरिएबल नहीं मेरे दिमाग में था, सिर्फ एक था मेरे 10th 11th 12th क्या होगा कुछ नहीं था. 10th में आई स्कोर्ड गुड. 12th में मेरे को समझ गया था, मैं साइंस में था, मैंने 12th की एग्जाम में मेरे को वो समझ गया था 12th एग्जाम देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तब तक थोड़ा समझ आ गई थी. IIT पास करना पड़ेगा, AIEEE पास करना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू देके कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में भी पता नहीं क्या होगा, फिर प्लेसमेंट. तो मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स मेरे साथ लेके आ गए थे कि क्या होगा पता नहीं. तो जब बहुत वेरिएबल्स आ जाते हैं लाइफ में, तो इवन दो यू हैव अ गोल, यू कांट डेडिकेटली वर्क टूवर्ड इट, क्योंकि दिमाग में चलता है कि यार पता नहीं मैं कर तो रहा हूँ, इससे कुछ होने भी वाला है या नहीं, राइट. सीपीटी में भी अगेन लाइक आई जस्ट एंटर्ड, अच्छी से पास हो गया. आईपीसीसी में वॉट हैपेंड वर्क, अगेन आई रियलाइज कि मैंने 10th में क्या किया था. तो मैं आईपीसीसी में क्या करता था, राइट. आईपीसीसी में आई गॉट अ रैंक, राइट, जो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था. तो आईपीसीसी में ऑल इंडिया थर्ड रैंक, राइट. तो मैं आईपीसीसी में आई अप्लाइड माय 10th का स्ट्रेटेजी. सो एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस बुक पढ़ी, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बुक पढ़ी थी, और जैसे नीरज सर ने भी बताया, राइट. मैंने एक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, उसमें आप अगर 50 बार अपने माइंड को कोई बात बोलते हो मान जाएगा धीरे धीरे. सो मैंने आइसोलेशन थ्योरी लगाई थी. सो व्हाट आई बिलीव्ड वाज, अगर आईपीसीसी में मैं पास हो गया या अच्छे मार्क्स से, राइट, तो मेरी लाइफ सेट है. So I used to start a song. Song start करते I used to like imagine a whole process कि हाँ मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ. Then I used to imagine a exam day. ये सब 6 मिनट में, right? With the tone of song कि हाँ high tone आया तो exam आ गई. Exam के बाद then
और हाई टोन पे मेरा रिजल्ट आ गया देना है, लाइक पास बहुत अच्छी से और मेरी लाइफ सेट हो गई. एंड मैं सब भूल गया था कि फाइनल देना पड़ता है, फाइनल के बाद इंटरव्यू होगा कंपनी का, कंपनी के बाद लेगा नहीं लेगा वो भी नहीं पता. वो सब मैंने आइसोलेशन कर दिया था कि आईपीसीसी में अगर मैं पास हो जाऊं तो मेरी लाइफ सेट है. तो आई यूज टू इमेजिन अ होल थिंग इन अ सॉन्ग कि मैं पढ़ रहा हूँ, अ होल प्रोसेस एंड नॉट जस्ट अ रिजल्ट, कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, मैं बहुत पढ़ रहा हूँ. देन मैंने टेस्ट सीरीज दी, मॉक टेस्ट दी, मॉक टेस्ट के बाद एग्जाम दी एंड देन आई पास हो गया. एंड आई यूज टू डू दिस एवरी मॉर्निंग बिफोर स्टार्ट, लाइक बिफोर आई यूज टू स्टार्ट माई स्टडी. तो इससे आई यूज टू लाइक सो मोटिवेटेड कि यार मेरे को सिर्फ 2-3 महीने अच्छी से पढ़ाई करना है और मेरी लाइफ सेट है, राइट. और जब आप ये एक चीज देखते हो ना तो इट्स वेरी इजी टू बिलीव. गोल में प्रॉब्लम क्या होता है, इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, कि आप बिलीव नहीं कर पाते हो हाँ कि मेरा रैंक और मैं आईपीसीसी एक बार मैं पास हो जाऊँ उसके बाद ये करना है आर्टिकलशिप एक्सेट्रा, राइट. तो जब बहुत वेरिएबल आ जाते हैं आप बिलीव नहीं कर पाते हो. तो मैं एक ही चीज बिलीव करता हूँ, जस्ट थिंक एट द वन गोल एट अ टाइम. एक बार उसको व्हेन यू हैव वन गोल सब भूल जाओ कि उसके पीछे क्या है आगे क्या है, जस्ट इमेजिन अ प्रोसेस और एक बार ट्राई करके देखना. योर फेवरेट सॉन्ग नॉट अरिजीत सिंह का थोड़ा हाई टेम्पो वाला सॉन्ग, राइट. एंड जस्ट इमेजिन होल प्रोसेस फ्रॉम राइट नाउ टू योर वॉट एवर योर गोल इज एंड देन इमेजिन इट्स रिजल्ट. आई एम डैम श्योर अगर ये रोज करे तो आपका माइंड एक महीने में मान जाएगा कि हाँ ऐसा होने वाला है एंड देन यू विल बी मोटिवेटेड 100 टाइम्स देन यू आर नाउ. सो मैंने सी ए फाइनल में भी ये किया था. देन आई रियलाइज मेरे को MBA 1-1.5 साल पहले करना था, बट देन मैं जॉब करने लग गया. देन आई अगेन मेरे को पता हो के भी आई डिडंट डू कि यार वापस ये वेरिएबल थ्योरी हटा दो, आइसोलेट वन थिंग, बट आई वॉज नॉट एबल टू डू. नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन डूइंग दैट, राइट. तो मेरे को पता हो के मेरे लिए इतना डिफिकल्ट है इसको अप्लाई करना, तो देन यू नीड टू बी वेरी रेगुलर इन दैट. तो आपको तो फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो डू योर एफर्ट, एक चार्ट ही बना लो. मैं तो बोलता हूँ एक चार्ट बना लो 1, 2, 3, 4, 30 तक लिख के और हर बार टिक करो कि हाँ आज मैंने ये 5 मिनट का सेशन कर लिया है खुद के साथ, आज मैंने 5 मिनट का. बिलीव मी जस्ट डू फॉर 1 मंथ, यू विल सी इफेक्ट कि यू आर मोटिवेटेड. जस्ट अप्लाई आइसोलेशन थ्योरी. वेरी वेरी ट्रू. एक दो चीज मुझे भी यश की बात सुन के ध्यान आई, पवन सर भी मुझसे एग्री करेंगे इस चीज पे. हम दोनों ना अभी रिसेंटली 2019 जुलाई में लद्दाख गए थे ट्रेकिंग के लिए. तो अराउंड ट्रेकिंग में ना हाइट 17,500 फीट तक जाना था और करीब 60 किलोमीटर चलना था. तो फर्स्ट डे इतना डिफिकल्ट नहीं था, वो तो हो गया कुछ 10-15, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर वैसे किलोमीटर्स. नेक्स्ट डे एक ऐसा स्टीप आया कि बहुत सारा चढ़ना पड़ा. उसमें ना वहाँ पे इतनी हाइट पे ना ऑक्सीजन काफ़ी कम होता है, ब्रीदिंग में दिक्कत होती है, आप थक नहीं सकते, अलाउड नहीं होता, अब बिना थके चढ़ नहीं सकता आदमी. तो ऐसा था कि उस टाइम पे दिमाग में दो ही चीज आ सकती थी. पहली चीज कि यार अभी नहीं चढ़ना हो रहा, मैं खुद को कैसे पुश करूं और 45 किलोमीटर और बाकी है अभी. आई हैव नॉट इवन रीच 12,000 फीट, मुझे 17,500 फीट तक के जाना है. ये एक थॉट आ सकता था. दूसरा थॉट था भाई जाने दे, अगला एक कदम ले दे, एक और दैट्स इट. तो दोनों आइडियाज थी. तो अब अगर हम ऐसा सोच लेते कि यार इतना सारा कैसे होगा, तो वही क्यों सर हमारे लीडर को बोलते कि चलो भाई वापस लेके चलो. वापिस भी बहुत लंबा था एक्चुअली. और तो बस हम यही सोचते गए बार बार कि एक और स्टेप. अब ध्यान को ना, जैसे यश ने आइसोलेशन बताया, हमने पूरी तरह से ट्राई किया कि दिमाग कहीं जाए ना, क्योंकि दिमाग तो रीजन हमेशा सोचता है, क्योंकि दिमाग की स्पीड ही इतनी है कि वो हमेशा ट्राई करेगा कुछ ना कुछ सोचने का. बट हमने ट्राई किया कि दिमाग इधर उधर नहीं भटकना चाहिए, बस अगली स्टेप एंड सो ऑन. वो होता गया. तो पढ़ाई के टाइम भी आप सेम स्टेप लगा सकते हो, बस 5 मिनट और 5 मिनट और उस 5 मिनट में ना अपना मूड बन जाता है, अपन आधा एक घंटा पढ़ाई कर देते हैं. इनफैक्ट आई यूज टू फॉलो कि ना जब भी मम्मी ने बुलाया खाना खाने के लिए या मेस का टिफिन आ गया, तो मेरा दूसरा या नींद आ रही है कि यार 10 मिनट और खुद को पुश करूंगा, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, खेलने का मन कर रहा है या टीवी देखने का मन कर रहा है, तो स्ट्रैटेजी थी कि 5 या 10 मिनट बस पढ़ लूं मैं, फिर जो चाहे कर सकता हूं. जब भी कोई दूसरी चीज का मूड किया 10 मिनट पढ़ लो. 10 मिनट पढ़ने के बाद क्या हुआ, 50% चांसेस थे कि मुझे पढ़ने मन लग गया, मैं पूरी पढ़ाई कंटिन्यू कर लिया. अब चांसेस थे कि मूवी जाना था तो भी 10 मिनट एक दिन का हो गया. ऐसे साल भर का देखो कितने सारे मिनट्स हो गए होंगे, 3600 मिनट्स. तो वो भी मैटर किया. तो ऐसा 10-10 मिनट वाली थ्योरी कभी कभी यूज किया. तो पवन सर. यस सर, वो जो वन स्टेप एट अ टाइम वाली बात है,
अल्टीमेटली सब चीजें वही है कि एनी बिग टास्क कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल स्टेप्स. तो लद्दाख में तो मेरी तो बैंड बज गई थी, नीरज सर आप तो बहुत फिट हो, आप तो आगे आगे भाग रहे थे. लेकिन मुझे याद है मैंने तो बाद में बैठ करके पोयम भी लिखा था वन स्टेप के ऊपर. मेरे पोयम का टाइटल था वन स्टेप, तो वन मोर स्टेप. तो ये तो हर किसी का अलग अलग माउंटेन होता है. अभी आपके लिए आपका जो एग्जाम है, आपकी जो कोर्स है, वो आपके लिए माउंटेन है. तो ऐसे मेरा तो पढ़ाई के लिए बहुत सिंपल ओपिनियन है कि इसको हम लोग आइसोलेट करके बहुत अच्छे से देख भी सकते हैं, यश ने जैसे कहा, क्योंकि हमको पता है कि एग्जाम कब आ रही है, हमको पता है कि सिलेबस में क्या क्या है, हमको बहुत सारी चीजें पता है, हमको पता है कि हमसे पहले भी कई लोगों ने सॉल्व किया है. सॉरी. तो हम लोगों को पता है कि हम गाइडेंस भी ले सकते हैं. बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो ऐसे आते हैं जिसमें हमको कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, कोई एग्जाम्पल भी नहीं है जिसने सॉल्व किया है, तो उसको भी तो टैकल किया जाता है. देयर इज ऑलवेज समबडी हु इज द फर्स्ट टू डू अ सर्टेन थिंग. जैसे माउंट एवरेस्ट क्लाइंब जिन्होंने फर्स्ट किया, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्वे, तो उनको लोगों ने हर बार डिस्करेज किया कि वाई आर यू गोइंग, वो बार बार फेल हो रहे थे एडमंड हिलरी. तो उन्होंने कहा कि द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज नॉट ग्रोइंग एवरी ईयर, बट आई एम ग्रोइंग एवरी ईयर. तो उन्होंने अपने एफर्ट को हर बार इंक्रीज किया एंड फाइनली ही बिकेम द फर्स्ट वन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट. एंड अब तो साल भर में 500 से 1000 लोग माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर लेते हैं. सर, तो आप लोगों ने वो केजीबी देखी होगी, तो केजीएफ, आई मीन केजीबी नहीं, केजीएफ. तो केजीएफ का डायलॉग आपको याद होगा, जब हीरो, शायद देखी होगी, तो हीरो को जब फाइनली उसका इसके क्या बोलते हैं लड़ाई के लिए जाना होता है, तो वहाँ पे बताते डायलॉग आता है कि कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए, कोई भी बड़ी चीज़ हासिल बिना प्लान के नहीं होती, इनफैक्ट प्लानिंग के साथ भी नहीं होती, उसके लिए तो बस एक चिंगारी काफ़ी होती है. तो बस ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि हर बार प्लान चाहिए या हर बार प्लान नहीं चाहिए, एक चिंगारी होती है ना, बस उससे हमें आग में बदलना होता है और कंटिन्यू वर्क करते जाना होता है. अचानक से एक बार मन करता है कि यार मैं पढ़ने बैठ जाऊँ या मैं खेलने चले जाऊँ, तो बस उसे कन्वर्ट कर दो अपनी एक्टिविटी में. मैं ना सुबह नहीं उठ रहा था, अब मुझे बहुत दिन से सुबह नहीं उठ रहा था, मुझे एक दिन सुबह पवन सर का 7:30 बजे कॉल आया, तो बस कॉल तो उठाया. अब कॉल उठा के तुरंत मैं खड़े होकर वॉक करने लग गया, तो देखो मुझे वापस सोने की जरूरत नहीं पड़ी. तो एक ऐसा मूवमेंट आता है जिसे हमें कन्वर्ट करना होता है एक्चुअल प्रोसेस में. क्या कहोगे यश इसके बारे में? यस, यू आर ऑन म्यूट. एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली जो नीरज सर ने बोला, राइट, वो 5 मिनट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब आपको खुद के लिए वे ढूंढना है कि वो 5 मिनट आपके लिए क्या है. तो फॉर मी, जैसे मैंने बताया, इट वॉज लाइक इमेजिन अ सॉन्ग की मेरी जर्नी, राइट. वो 5 मिनट आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं. आपके लिए 5 मिनट इट कैन बी एज सिंपल एज मैं उठ के मुंह पे पानी मार लिया. इट कैन बी एज सिंपल एज दैट, या उठ के गया पानी पी के वापस वही जगह पे आया. इवन दैट वर्क्स. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि वो 5 मिनट क्या है, बिकॉज दिस इज द 5 मिनट दैट विल हेल्प यू टू डू द हार्ड वर्क जो आपको करना है गोल के पास. और वो ऐसा नहीं है कि एक दिन करना है, दो दिन करना है, आपको कंटिन्यूअस 2 महीने 3 महीने करना है. तो इट शुड बी 5 मिनट जो आप बिलीव करते हो, राइट. तो जिसमें अगर जैसे नीरज सर बिलीव करते हैं कि वो 5 मिनट 10 मिनट और पढ़ लिए, तो बहुत चांसेस है कि वो और पढ़ ले. ही बिलीव दैट, राइट. अगर वो मैंने कभी नहीं किया होगा, हो सकता है कि मैं बिलीव ना करूँ. तो यू हैव टू फाइंड दैट. अभी हम लोग सिर्फ हमारे एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि वो 5 मिनट हमारे क्या है, राइट. तो आपको सब ट्राई करके यू नीड टू फाइंड योर 5 मिनट कि वो 5 मिनट आप क्या करने वाले हो, सो दैट यू आर मोटिवेटेड टू स्टडी. हाँ, पढ़ाई करना एक्सरसाइज करने के जैसा होता है. जब तक हम स्टार्ट नहीं करते तब तक आलस आता है कि अरे स्टार्ट कर लेते और हम लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं. आवर माइंड वांट्स अस टू रिमेन इन द कंफर्ट जोन. लेकिन जब हम एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं या जब करते भी रहते हैं, उस समय बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, बहुत अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है. एंड ये बिल्कुल साइंस भी इसको बैक करता है कि एक्सरसाइज करने से जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं उससे हमको हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है, हमको अच्छा पॉजिटिव लगता है. तो पढ़ाई भी वैसे ही है. अगर समझो आपने रात को पढ़ाई करके आप सोए हो, तो अगले दिन सुबह उठकर आपको बड़ा अच्छा लगता है कि चलो कल का दिन हमने वेस्ट नहीं किया, हमने इतना प्रोग्रेस कर लिया. या मान लो आपने सुबह उठते से ही उस दिन 12 बजे तक के आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर लिया, तो आपको दिन भर एक अलग ही कॉन्फिडेंस चलता है ना. जैसे गाड़ी में अगर फुल पेट्रोल भरा करके अगर हम लोग निकले तो एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है कि भाई आज तो कहीं भी जा सकते, कोई रोक नहीं सकता. बस उस टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है अगर हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेड टारगेट था उससे भी ज्यादा कर लिया. तो जैसे कि नीरज सर ने पोयम के बारे में बताया, तो लेकिन उससे भी ज्यादा है कि आपको सेल्फ इंस्पिरेशन रखना होगा.
आपको कोई एक्सटर्नल पोएम या कोई सोर्स नहीं चाहिए, आपको खुद को इंस्पायर करना होगा. योर गोल शुड बी सच दैट इट पुल्स यू, नॉट दैट यू हैव टू पुश टुवर्ड्स इट. अगर आपको इतनी दिक्कत जा रही है तो शायद आपको अपना गोल रिवाइज करना पड़ेगा. लेकिन आप बैठ करके सोचो कि क्या वाकई में आप गिवअप करने की पोजिशन में हो, या आप सही में उसके लिए और करना चाहते हो. वेदर यू हैव गिवन योर बेस्ट एंड और वेदर यू हैव नॉट येट गिवन योर बेस्ट. आपका पोटेंशियल तो आप ही जानते हो. आपका पोटेंशियल कोई आपका आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आपका फ्रेंड भी नहीं जानता है, कोई सोसाइटी नहीं जानती है. तो अगर आपको लगता है कि आपने अपना बेस्ट ऑफ एफर्ट अभी तक के दिया ही नहीं है, तो ट्राई गिविंग योर बेस्ट एफर्ट एंड देन सी व्हाट इज पॉसिबल. एक दिन तो एक पत्थर तो तबीयत से उछालो, वो कहते हैं ना, तो कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता. तो अपना बेस्ट एफर्ट तो दे करके देखो. तो और फिर वो सक्सेस ना दूसरे सक्सेस को ब्रीड करेगा. बिकॉज एक सक्सेस मिलेगा तो आपको अच्छा फील होगा, देन यू विल स्टार्ट रिपीटिंग इट, इट बिकम्स अ हैबिट. तो लॉट ऑफ थिंग्स एक सेशन में तो हम लोग आपके साथ सभी बातें शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि माइंडसेट वाली बात है. इतनी सारी चीजें हैं जो हमको ओवर द टाइम डेवलप करना होता है. इट इज नॉट दैट कि हमने एक वेबिनार अटेंड कर लिया उससे हमारी जिंदगी के प्रॉब्लम्स ही सॉल्व हो गए. लेकिन यस, हाउ टू डील विद इट, वी कैन डिस्कस द डायरेक्शन पार्ट ऑफ इट. ऐसा होता है ना कि बहुत लोगों की पढ़ाई नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए? तो ना तीन ऑप्शन है. पहला, पढ़ाई करो. दूसरा ऑप्शन, आप लोग 2 घंटे बढ़िया संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखो. और तीसरा ऑप्शन, आप लोग 5 मिनट संदीप माहेश्वरी का वीडियो देखो, सीखो कि क्या बताना चाहते हो और उसे अपनी पढ़ाई में 1 घंटा 55 मिनट यूज करो. बट देन बहुत लोग क्या करते, वीडियो लगाते यूट्यूब पे, या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, संदीप माहेश्वरी ऑन किया. इसमें माहेश्वरी जी की कोई गलती नहीं है, बट समहाउ हम क्या करते हैं, हाँ उन्होंने बोला यू कैन डू इट, आप कर सकते हो. अच्छा मैं कर सकता हूँ, और बताओ और बताओ और बताओ मेरे बारे में. अच्छा आप एक दिन जीतोगे, अच्छा मैं जीतने वाला हूँ, और बताओ क्या क्या होने वाला है. तो बेसिकली वो आपका भविष्य नहीं बता रहे. बट देन ऐसा 3 घंटे हो जाते हैं, अरे वाह क्या मस्त लग रहा है, मैं जीतने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ. और 3 घंटे बाद, चलो यार कल स्टार्ट करूंगा मैं, है ना. और फिर कल जब सुबह उठता ही नहीं है आदमी और करने भी बैठा, तो फिर लगता है यार 3 घंटे सफिशियंट नहीं थे, एक बार और देख लेता हूँ संदीप माहेश्वरी को. बट देन वॉट एक्चुअली यू शुड डू, आपने संदीप माहेश्वरी ऑन करना चाहिए. और उसमें अगर संदीप माहेश्वरी जी ने कहा कि आप कर सकते हो, तो वहीं पे वीडियो को पॉज करो और करके देखो ना यार आप कर सकते हो. तो द थिंग इज, नेक्स्ट चीज जो बोली उसे अप्लाई करके देखो. डिफिकल्ट है थोड़ा, बट देन ये जो इंस्पिरेशन होता है ना, थोड़ा 15-20 मिनट किसी ने आपको पुश किया ताकि अपने अंदर से आ सके, वो अच्छा है. आप सिर्फ इंस्पिरेशन दे रहे हो रोज 3-3 घंटे संदीप माहेश्वरी और एग्जाम देने चले गए, तो मार्क्स नहीं आने वाले. तो जैसा पवन सर ने कहा, इंस्पिरेशन आएगा अंदर से ही आएगा, बट देन बहुत ज्यादा बाहर से देने का ट्राई मत करो. जैसे आज आपने सब वीडियो सुना कि यार हमने पढ़ना चाहिए पढ़ना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल, और घर जाके आपने पढ़ा ही नहीं, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस. तो द थिंग इज, कुछ लेसन लो, कुछ नोट करो, मेक इट अ हैबिट कि यार हाँ मैं कल एक चेंज अपने अंदर लाने वाला हूँ. जैसे कल मैं सुबह 8 बजे उठने वाला हूँ, एक हाथ चेंज लाने का ट्राई करो. पवन सर का तो ऐसा है कि उनको कोई भी चीज बता दो सजेशन, अगर उन्हें लगता है कि हाँ पॉजिटिव चेंज है खुद की लाइफ में, तो इमीजिएटली कॉल करे, सो आज करे, सो अब भी इंप्लीमेंट हो जाएगा. तो बस ऐसी एक हैबिट होना कि अगर कुछ अच्छी पॉजिटिव चेंज है तो अपने अंदर इंप्लीमेंट हो जाए. तो पढ़ाई का एक नशा रहता है, अगर हम लोग उसको सिस्टमेटिकली अगर अप्रोच करें तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. मतलब इट कैन टेक अस टू प्लेसेस. अब देखिए, आप लोग भी हमें सुनने क्यों आए इतने सारे लोग, क्योंकि आपको पता है कि हम लोगों ने कुछ ऐसा हासिल कर लिया है, या हमारे पास कुछ ऐसी एडवाइसेस होंगी जो हमारे लिए वर्क करी है और आपके लिए भी वर्क कर सकती है. तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको कुछ अलग बात बताएंगे जो आपको शायद नहीं पता, बट हम लोग आपको याद दिला देंगे. सो ऐसी बात है. तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये सेशन को हम लोग वन वे नहीं रखना चाहते. वी विल ओपन द फोरम. अब एक एक करके जब हम बोलेंगे तो तब कोई भी एक जन अपना माइक्रोफोन ऑन करके उनका स्पेसिफिक क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है. अभी आप में से कोई भी एक जन क्वेश्चन पूछ सकता है, हम जिसका नाम बोलेंगे वो ही कंटिन्यू करेगा. अच्छा, इसके पहले हमारे साथ में डीजी शर्मा सर भी मौजूद हैं. सर कैन यू लिसन टू अस? हेलो, मैं सुन रहा हूं पर मेरा वीडियो पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है. अच्छा सर, अभी आ जाएगा. सर आ जाएगा अभी वीडियो. सर आपका कैमरा ऑन है क्या? कैमरा तो ऑन तो किया है वैसे. अच्छा अच्छा, ओके. तो जो लोग हमारे जो स्टूडेंट साथ में जुड़े हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम ऑब्वियसली नो अबाउट डीजी शर्मा सर, ही इज द लेजेंड.
एंड शर्मा सर को ही देख करके हम लोगों ने इतना कुछ अभी तक के अचीव किया है. सब्जेक्ट ही नहीं, उन्होंने हमको लाइफ से रिलेटेड भी बहुत कुछ सिखा दिया है. तो आई रिक्वेस्ट सर टू गिव फ्यू वर्ड्स ऑफ एडवाइस टू सो मेनी वंडरफुल स्टूडेंट्स हु आर हियर. गुड इवनिंग फ्रेंड्स. आप लोग ये लीजेंडरी लोगों को सुन रहे हैं, पवन, नीरज, यश. मैं भी जब से कनेक्टेड हूँ सुन रहा हूँ. मेरा वीडियो ऑन था पर मैंने ही एक बार ऑफ किया उसको, उसके बाद पता नहीं कनेक्ट नहीं हुआ. अच्छा. मेरे तरफ से, मैं इतना ही बोलूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, अपन गोल वगैरह तो सेट करते हैं लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने को कोई एक पुशिंग फैक्टर चाहिए, एक इंस्पिरेशन चाहिए जो हमको पुश करे. और जैसे नीरज ने भी किसी एक्सटर्नल मोटिवेटर वगैरह की बात की, मैं उनको तो खैर पर्सनली नहीं जानता हूँ, लेकिन ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं जो फ्री में भी आपको मोटिवेटिंग लेक्चर्स वीडियोस ऑफर करते हैं और बहुत अच्छी बातें बताते रहते हैं, लेकिन ऐसे आप हर समय सिर्फ सुन के उसका ज़्यादा बेनिफिट नहीं ले पाते हो. मेरे हिसाब से सेल्फ मोटिवेशन होना बहुत यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है. मेरे खुद की लाइफ में मैं तो आप बोल सकते हैं एक मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट रहा हूँ. ये सब तो मेरिटोरियस स्टूडेंट है जिनको आप सुन रहे हैं, बट मैं तो मीडियोकर टाइप का रहा. बट मेरे लिए जो पुशिंग फैक्टर था लाइफ में वो था कि मैं हमेशा दूसरों से इंस्पायर होता था. किसी को भी अगर लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करते देखता था तो मुझे वो बहुत इंस्पायर करता था, और मैं मन में ऐसा सोचता था कि मैंने भी इनकी तरह कुछ अच्छा अचीव करना चाहिए. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मेरे पेरेंट्स, मेरे एल्डर्स वो कितने खुश होंगे जब मैं कुछ भी अच्छा अचीव करूंगा, या अगर मैं नहीं अचीव करता, फॉर एग्जाम्पल पढ़ाई में मेरा फेल्यूर रिजल्ट आता है, तो वो उन लोगों को कितना हर्ट करेगा. यू नो, उन लोगों ने मुझे कभी फोर्स नहीं किया, बट उनका जो बिहेवियर था उससे मुझे ये लगता था कि मेरी खुशी में, मेरे सक्सेस में वो कितने खुश होंगे और मेरे फेल्यूअर उनको कितना हर्ट करेगा. वो अपने फ्रेंड्स से, अपने दूसरे लोगों से कैसे मेरा रिजल्ट शेयर कर पाए. तो इस वजह से यू नो मेरा पढ़ाई में मन लगता था. मैं बहुत बार क्लास में भी बोलता हूँ, जैसे पवन सर ने बहुत अच्छी बात बोली है आप लोगों को क्लास में, कि हमको पढ़ने मिल रहा है ये हमने सोचना चाहिए. जबकि मैं हमेशा पढ़ाई को इतना मैंने स्पोर्टिंगली नहीं लिया, मैंने पढ़ाई को अपनी ड्यूटी के तौर पे लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लिया कि अगर मुझे लाइफ में कुछ बनना है तो मुझे ये जो फॉर्मल एजुकेशन है इसको भी एक्वायर करना पड़ेगा, कुछ अच्छा बनना पड़ेगा. और जब एक छोटा सा सक्सेस भी आप लेते हैं ना, जैसे एक तो है ये लॉन्ग टर्म गोल आपने बना लिया, पर उसको फिर छोटे शॉर्ट टर्म गोल में ब्रेक करते जाओ. जैसे यश ने भी बोला, आप इमीडिएट वाला अपना एक टारगेट भी फिक्स करो, और जब उसको आप सक्सेसफुली अचीव कर लोगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेक्स्ट स्टेप में और परफॉर्म करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा. तो आप सेल्फ मोटिवेशन डेवलप करो, अपने जो आपके पेरेंट्स है, दूसरे फैमिली मेंबर्स है, उनके बारे में थोड़ा सोचो कि आपके सक्सेस से वो लोग कितने खुश होंगे. वो सब चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, बहुत खुश हो. तो मुझे ऐसा लगता है आप उनसे अपने आप को रिलेट करोगे, और जो आपके आसपास में अच्छे अचीवर्स हैं उनको अपना रोल मॉडल बनाओ. आप उनको अपने ध्यान में लाया करो बीच बीच में, उससे भी आपको मोटिवेशन मिलेगा. और डेफिनेटली आप सभी कैपेबल हो, कैपेबिलिटी तो मुझे लगता है आप में सब में है. थोड़ा सा एक पुशिंग फैक्टर, एक मोटिवेटिंग फैक्टर आप ले लो और वो आप ही एक्वायर करो. कोई आपको देगा नहीं, वो आपको खुद को तलाशना पड़ेगा और अपने में लाना पड़ेगा. ओके फ्रेंड्स, आप लोग कंटिन्यू करिए, मैंने तो फिर बोलने लगा तो कुछ ज्यादा ही बोल देता हूँ. ठीक है सर, अच्छा पवन सर बोल सकते हो सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है. नहीं, सर, इट्स ओके, मैंने एक यस सर
मैंने तो जो बोलना था, मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ. जैसे नीरज ने भी माउंटेन रिंग का एग्जांपल दिया था, तो मैं उसमें एक पॉइंट ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हो ना, तो वो भी आपकी कैपेसिटी को बढ़ावा देता है. जैसे कि मैं भी माउंटेन रिंग के लिए कुछ बार गया हूँ. मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड है अविनाश देवस्कर, बहुत बड़े माउंटेनियर है, बहुत एक्सपर्ट है. जब मैं अभी लास्ट टाइम मनाली के ट्रैक पे गया था, तो वो मुझे बड़ा टफ लग रहा था ट्रैक. लेकिन मैं जब भी अविनाश से पूछता था, वो मुझे कोई सीधा जवाब तो देते नहीं थे. लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था कि अगर अविनाश ने मुझे ये ट्रैक में चलने के लिए बोला है, दैट मीन्स उनकी नजर में मैं कैपेबल हूँ, तो मैं डेफिनेटली चल लूंगा. तो मुझे लगता है जो ट्रस्ट होता है ना, कभी कभी जो लोग आपके सीनियर हैं, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि यू कैन डू इट, उनका जो ट्रस्ट है वो भी मेरे को लगता है आपको पुश कर सकता है. मुझे यही होता था, मैं हमेशा सिर्फ यही चीज ध्यान में लाता था कि अगर अविनाश ने बोला है मतलब मैं इसको अचीव कर लूंगा. और डेफिनेटली हमने किया, बड़े अच्छे से हमने वो ट्रैक कंप्लीट किया. वी एंजॉयड अ लॉट. रोज ट्रैक करते समय जो मॉर्निंग का 6-7 घंटे का ट्रैक होता था, इट वॉज सो एग्जॉस्टिव, पूरी तरह से थक्के चूर हो जाते थे. लेकिन जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था, सुकून मिलता था, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता था, और नेक्स्ट डे के और चैलेंजेस को फेस करने की हिम्मत और हौसला आ जाता था. तो मुझे लगता है एक ट्रस्ट फैक्टर भी होना चाहिए. जैसे जिन टीचर्स को आप चूज करोगे अपने करियर में हेल्प के लिए, उन पे ट्रस्ट करिए. अगर वो समझते हैं कि आप कैपेबल हो, तो आप डेफिनेटली कैपेबल हो और आप अच्छा परफॉर्म कर सकोगे. ये ट्रस्ट अपने लिए भी डेवलप करो, अपने आप पे भी विश्वास करो कि आप अपने गोल को अचीव करने में कैपेबल हो. और जो आपके सपोर्ट के लिए, गाइड के लिए आपने चूज किया है, उन पे भी ट्रस्ट करो. ट्रस्ट योरसेल्फ एज वेल एज ट्रस्ट योर टीचर्स. ओके, कंटिन्यू कर सकते पवन अब. यस सर, आप ऑनलाइन रह सकते हैं सर, कोई क्वेश्चन आएगा तो इफ पॉसिबल फॉर यू. हाँ हाँ, यस यस, ओके, थैंक यू सर. मैं ऑनलाइन हूँ. ओके ओके. सो फ्रेंड्स, माउंटेनियरिंग तो जैसे नीरज सर, शर्मा सर, इवन यश एंड मैं, हम लोग चारों जन बहुत ज्यादा पैशनेट है. और वन ऑफ द रीजंस इज कि हम लोग अविनाश देवस्कर सर से कनेक्टेड है. तो नो डाउट माउंटेनियरिंग ने हमको बहुत सारे लाइफ लेसन सिखा दिया, जो सीधा सीधा कोई भी चैलेंज से हम लोग डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं. तो जैसा कि शर्मा सर ने कहा कि उस दिन का चैलेंज बहुत टफ लगता था, बट एक बार वो कंप्लीट हो गया तो फिर अगले दिन के चैलेंज के लिए हम लोग रेडी हो जाते थे, मतलब एक्साइटेड रहते थे. तो वैसे ही पढ़ाई है, आप रोज हर दिन उस दिन के चैलेंज को ही मेन बनाओ. जैसे यश ने बताया, सभी चीजें देखो लिंक हो रही है, और उसको कंप्लीट करो, फिर बहुत आपको अच्छी फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर अगले दिन के चैलेंज को वापस से वही जोश के साथ में, वही एक्साइटमेंट के साथ में आप फेस करो. क्योंकि द व्यू फ्रॉम द टॉप इज ब्यूटिफुल. आप अगर नीचे से ही सब कुछ देखोगे, जैसे आपकी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर से जो व्यू मिलता है वो बहुत लिमिटेड रहता है, और आप अगर छत पे जाते हो सीढ़ियां चढ़ के, तो वहां से जो व्यू मिलता है दैट इज ब्यूटिफुल. एंड पढ़ाई में आपको कोई लिफ्ट का सहायता नहीं मिलेगा, आपको खुद की सीढ़ियां खुद ही चढ़ना होगा. आपको रास्ता बताने वाले लोग जरूर रास्ते में खड़े रहेंगे, लेकिन आपको खुद ही अपनी कदम उठा करके रखना होगा. राइट नीरज सर? यस. तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. कौन पूछना चाहेगा पहला सवाल? अब शर्मा सर दिख रहे हैं. हाँ यस, टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, मैं अटक जाता हूँ कई बार अभी. तो आप में से कोई भी क्वेश्चन? हाँ यस, ऋतिक. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. माय क्वेश्चन इज दैट सर, हाउ टू टैकल विद स्लीप व्हाइल स्टडिंग. सर जब भी पढ़ने बैठो अंदर से दो आवाजें आती हैं, पढ़ या तो सो. सर ऐसा क्यों होता है? पहली आवाज क्या आती है सर? या तो सो जा और या तो पढ़. अच्छा. तो पहली आवाज को सुनने का और क्या? नहीं सर, लेकिन पहली आवाज सुनेंगे तो सब दूसरी आवाज
जो है वो गोल अचीव नहीं कर पाएंगे ना। देखो ऐसा है कि अगर हमारा गोल वाकई में स्ट्रांग है, जैसे मान लो आपको रात के 3 बजे की ट्रेन पकड़ना ही है, तो आपको कितनी भी नींद आ रही है तो भी आप उठ के सही टाइम से निकल जाओगे, राइट? तो हमारा पर्पस कितना स्ट्रांग है वो इम्पोर्टेंट है। अगर समझो जैसे मैं वीकली वॉक रखता हूँ, हर हफ्ते सुबह थर्सडे को हम लोग वॉक पे जाते हैं, तो उस दिन मैं रात को भले ही 3 बजे भी सोऊं, लेकिन सुबह 5 बजे अगर उठना है तो उठ ही जाता हूँ। तो हमारा पर्पस कितना स्ट्रांग है। हाँ एक बात तो सही है कि नींद आती है, नेचुरल प्रोसेस है, तो हमने सफिशियंट नींद लेना भी चाहिए नींद के जगह पर। ऐसा नहीं है कि हम लोग आराम से रोज ही हम लोग नहीं सो रहे हैं सफिशियंटली। तो सफिशियंट नींद लेना भी चाहिए, लेकिन आप उसका टाइमिंग फिक्स कर दो, आप अपने शेड्यूल को ऐसा सेट करो कि आप 24 घंटे में इनफ रेस्ट ले रहे हो आपकी बॉडी के हिसाब से, 6 घंटे 8 घंटे जो भी आपको इनफ लगता है, एंड रिमेनिंग टाइम पे आप अपने बेस्ट पे रहो। हु इज आस्किंग यू टू स्टडी फॉर 16-17 आवर्स इन अ डे? आपको तो एक दिन में सिर्फ 8-10-12 घंटे ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, तो उस समय कोशिश करो कि आप अपने बेस्ट पे रहो। एंड नींद को भगाने के फिर अगर आपको बहुत ही दिक्कत जाती है, तो एक होता है कि खूब पानी पियो, दूसरा होता है कि आप छोटे छोटे टारगेट रख के पढ़ो, उसके बाद 10-10 मिनट का पावर नैप लो, जैसे कि नीरज सर हमारे स्टाफ रूम में लेते हैं, 10 मिनट ले सो जाते हैं और पूरे रिचार्ज हो करके अगली क्लास के लिए फिर जाते हैं। तो शर्मा सर विल वाउच फॉर दैट। यस सर। तो एक्चुअली कैसा है ना, मेनली हमारी नींद बढ़ने का एक वन ऑफ द मेजर रीजन इस एज में, क्योंकि हम तो कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रहे, बट हम लोग मेंटल वर्क कर रहे हैं। और होता क्या है, पढ़ाई तो है वो ठीक है, जैसे पवन सर ने बहुत पढ़ाई किया, बट देन एवरेज में 7 आवर्स वगैरह सोते थे, आजकल तो 3-4 भी, मतलब आई डाउट, तो जब देखो तब ऑनलाइन दिखते हैं। तो द थिंग इज, अगर आपका ब्रेन बार बार कुछ ना कुछ सोच रहा है तो ब्रेन थक जाएगा, तो आपकी नींद बढ़ जाती है अल्टीमेटली। तो दिमाग के थॉट्स थोड़े कम करोगे ना तो नींद ऑटोमेटिक कम होते जाएगी। ऑब्जर्व करना, जिस दिन आप खुश थे, खेल के आए, उस दिन नींद कम थी, 6-7 घंटे में नींद हो गई। हम क्या बहुत बार सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो आई वुड एडवाइस कि ना, बहुत लोगों का सवाल भी था कि सर ये मेडिटेशन क्या होता है और कैसे करना चाहिए। अब आई एम नॉट दी एक्सपर्ट, बट देन थोड़ा थोड़ा मैंने जाना हूँ, जितने भी कोर्सेज किए या जहाँ भी सीखा हूँ, कि अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूँगा। वैसे आई वुड एडवाइस कि आप कोई कोर्स कर पाओ तो बिल्कुल कीजिएगा, कुछ भी नहीं उसके लिए प्रॉब्लम। बट देन अगर आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, लॉकडाउन है वैसे भी, तो आप लोग एक सिंपल तरीका फॉलो कर सकते हो। तो होता क्या है ना, ब्रेन में, ये हमारा ब्रेन, ब्रेन में कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ थॉट चलते हैं, है ना। ऐसे एक थॉट आएगा, थोड़ी देर बाद चला जाएगा, थॉट आएगा जाएगा, तो थॉट कंटिन्यूसली आते जाएंगे। बट देन एक टाइम आएगा कि इतने सारे थॉट्स आई जा रहे। मेडिटेशन का मीनिंग है कि आपके दिमाग में थॉट्स एकदम जीरो हो जाना चाहिए। फिर लोग पूछते हैं कि सर हम लोग मेडिटेशन करते हुए क्या सोचे, मतलब हम ओम की तरफ देखे कि राम भगवान की तरफ देखे कि हम हमारे सर की तरफ देखे, क्या सोचे? तो द थिंग इज, मेडिटेशन करते वक्त आपके दिमाग में कुछ भी नहीं होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। मेडिटेशन है कि आपको अपने दिमाग को जीरो थॉट के पोजिशन पे लाना है, मतलब आपका जो दिमाग एक मशीन है तो मशीन को बंद करना है, कुछ भी सोचने से रोकना नहीं कहूंगा, बट देन जिस वक्त आपके दिमाग की अवस्था ऐसी होती है कि थॉट्स जीरो हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज आपका मेडिटेशन बहुत अच्छा हो रहा है। तो ट्राई कीजिएगा, थॉट्स को आने दो जब तक के आते। एक टाइम होता है कि थॉट्स भी थक जाते, और तब आपका एक्चुअली में 5-10 मिनट का ऐसा स्टेट होना चाहिए कि आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो। जबरदस्ती सोचने जाओगे तो कुछ ना कुछ आएगा, बट देन साइलेंटली बैठोगे आंख बंद करके तो थॉट्स ऑटोमेटिकली कम होते होते एक टाइम पे जीरो पे आएंगे। बस ये जीरो पोजिशन में आपको ज्यादा नहीं, 5 मिनट या 10 मिनट तक के रुकना है, तो ये हो जाएगा आपका प्रॉपर परफेक्ट मेडिटेशन। तो इससे भी आपका जो नींद है वो कम हो सकती है। और बहुत लोगों का क्वेरी भी था कि सर मेडिटेशन कैसे करना, क्या करना, तो उसके लिए भी आंसर दिया। तो नेक्स्ट आउट किसी का? नहीं, आई थिंक यू सो मच सर। यश जो है वो भी मेडिटेशन करता था पढ़ाई के टाइम पे। राइट, तो इस पे सोने वाले प्रॉब्लम पे एक चीज, तो ये सेम चीज मेरे साथ होती है, राइट? मेरे को बहुत नींद आती है, तो मैंने क्या किया था, पहले मैंने मेरा सोने का स्केड्यूल बनाया, एंड देन आई फिट इट लाइक मेरे को कब पढ़ना है उसके बीच में। सो व्हाट आई डिड वाज कि रात में मैं 6.5 आवर्स सोता था एट अ स्ट्रेच, दैट्स इट, राइट? एंड देन 2.5 आवर्स मोर थ्रू आउट द डे, 30-30 मिनट्स करके। तो आई यूज्ड टू स्लीप 9 आवर्स, राइट? उसके बाद भी वी हैव 15 आवर्स, 15 आवर्स में से 3 घंटे टाइम पास और कर लिया खाना एंड ऑल, उसके बाद भी वी हैव 12 आवर्स टू स्टडी। तो मैंने मेरा पूरा प्लान बनाया था कि रात में 6.5 आवर्स होगा, जैसे ही सुबह मॉर्निंग में 6.5 आवर्स सोए, उसके बाद 3 आवर्स की स्टडी,
then again 30 minutes time, like lunch and all, then 30 minutes again sleep, right? And then I used to study again for 2-2.5 hours, then again 30 minutes sleep. So main 30-30 minutes ka break mein soke, and like I can bet agar aapne ye routine follow kar diya तो फिर आप कितना भी ट्राई कर लो रात में सोने का, या आपका जो भी डेली स्केड्यूल है, आपको और नींद नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती अगर आप प्रॉपर, आपको पता है कि आप कब सो रहे हो. एंड इससे एक और फायदा होता है, इफ यू हैव अ प्लान कि मैं कब सो रहा हूँ, देन आपको नींद 10 सेकेंड्स में आती है, देन यू हैव 30 मिनट्स फुल टू स्लीप. अगर आपको सोने में 15 मिनट लग गए, देन दैट 30 मिनट्स विल, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 30 मिनट्स में फ्रेश हो जाओ. तो मेरा सोने का एक पूरा प्लान होता था कि मैं रात में 6.5 घंटे सोऊंगा, दोपहर नून हाफ एन आवर, शाम में हाफ एन आवर, रात में हाफ एन आवर. तो आई थिंक यू कैन ट्राई दैट. वंडरफुल, थैंक यू सो मच सर. और ऋतिक, कभी कभार नींद नहीं आती है जब हम लोग बाकी टाइम पे, हम लोग ना, हमारा माइंड पढ़ाई से भागना चाहता है इसलिए सोना चाहता है बेसिकली. जैसे मैंने आपको बताया ना, वी वॉन्ट टू स्टे आउट ऑफ द कम्फर्ट जोन, तो आई मीन स्टे इन द कम्फर्ट जोन एंड स्टे आउट ऑफ द स्टडी जोन. तो हमारा माइंड सोचता है कि अभी मैं सो जाऊंगा तो मैं प्रॉब्लम से दूर रहूंगा, लेकिन उठकर देखते तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है तब तक, क्योंकि टाइम कम हो जाता है. तो सोने, जल्दी से नींद लाने का भी तरीका है, मैंने इंटरनेट से ही सीखा एंड मैं अप्लाई भी करता हूँ. हम लोग जब लेटे हैं तो आँख बंद करके 1-2-3-4 काउंटिंग में इनहेल करना है, 1-2-3-4 काउंटिंग तक के होल्ड करना है, एंड 1-2-3-4-5-6-7-8 काउंटिंग तक के धीरे धीरे एक्सहेल करना है. फिर वापस से वही काउंटिंग में, मन के मन में काउंटिंग करना है, जोर जोर से नहीं, इनहेल करना है, फिर होल्ड करना है 4 तक के, फिर 8 तक के एक्सहेल करना है. तो ये तरीके से बहुत जल्दी हमारा दिमाग रिलैक्स हो जाता है एंड नींद आती है. तो क्वालिटी ऑफ स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छी क्वालिटी की नींद आ गई तो फिर 5-6 घंटे की नींद भी इनफ है, लेकिन मैं आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, क्योंकि मैं कभी 2-3 घंटे में मेरे 2-3 दिन निकाल लेता हूँ, और कभी मैं 14-14 घंटे 24 में से सो जाता हूँ. सो मेरा बहुत फ्लक्चुएशन चलता है. सो शर्मा सर हमें से सबसे ज्यादा डिसिप्लिन्ड है, रोज प्राणायाम मेडिटेशन करते हैं, तो ही इज द अथॉरिटी ऑन दैट. ओके सर, थैंक यू सो मच सर. यस सर, यस सर, यस सर. जो मेडिटेशन पे नीरज ने बोला है या नींद से रिलेटेड यश ने बोला, दोनों डेफिनेटली बहुत ही करेक्ट है. बाहर मुझे लगता है मेडिटेशन जो होता है ना, खास करके इस एज में शायद ये बच्चे लोग उतना आसानी से ना कर पाए. तो मुझे लगता है थोड़ा सा या तो मॉर्निंग में उठ के आप या तो कुछ फिजिकल लाइट एक्सरसाइज या अगर योगा प्राणायाम कर सकते हैं तो वो ऐसा, अभी तो खैर वॉकिंग करना तो आपके लिए अलाउड नहीं है, बट जब नॉर्मल कंडीशन हो जाए तो इवन यू कैन हैव सम वॉकिंग इन द मॉर्निंग. ये जो मॉर्निंग में आप कुछ भी करेंगे, योगा प्राणायाम मेडिटेशन या मॉर्निंग वॉक, तो मुझे लगता है आपका नींद के ऊपर अच्छा कंट्रोल आ जाएगा, बाद में आपको नींद का उतना इशू नहीं रहेगा. और अगर आप यश की तरह उसको और अच्छे से प्लान करना चाहते हो तो मैं एक चीज और बोलूंगा कि इनमें से किसी की भी एडवाइस पे, इंक्लूडिंग मेरी भी एडवाइस पे, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो आपको कुछ दिन उसको ट्रस्ट करके फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको वो सक्सेस मिलेगा. आपने सपोज एक दिन ट्राई किया, आप बोलोगे अरे ये तो हो नहीं रहा, तो एक दिन में चीजें चेंज नहीं हो पाएंगी. हैबिट्स आर हार्ड टू चेंज, है ना, थोड़ा टाइम लगता है. और मुझे भी लगता है कि जैसे नींद की जो है एबिलिटी होती है आसानी से सोने की, तो नीरज में तो मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो बहुत मेहनत भी करता है और मौका पड़ने पे फटाक से सो भी जाता है. मुझे मतलब मैंने कभी खैर कोशिश भी नहीं की, अब शायद मैं कोशिश करूंगा पवन की जो एडवाइस है 1-2-3-4 वाली, जल्दी से नींद आए. मैं जब बहुत टायर्ड होता हूं तो आ जाती है नींद जल्दी, नहीं तो बहुत बार नींद इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारे दिमाग में हम बहुत सारे विचार लाने देते हैं, और खास करके अगर वो विचार थोड़े से ट्रबलिंग हो तो उस वजह से भी नींद उड़ जाती है. yes. तो थोड़ा सा आप अपनी थिंकिंग में यानी अपने सोते समय अच्छे पॉजिटिव थॉट्स को ही लाइए और पवन की ट्रिक्स को अडॉप्ट करिए. यश ने जैसे एडवाइस दिया, आप अपना अगर शेड्यूल फिक्स कर लेंगे सोने का, बाकी की एक्टिविटी का, तो वो तो बहुत बेस्ट है. कोई भी चीज अगर आप टाइम पे करते हो, अपना खाना पीना उठना सोना, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज होगी नहीं. वो आप अपने हिसाब से शेड्यूल फिक्स करिए और थोड़ा उसकी प्रैक्टिस करके
उसमें सक्सेस मिल सकता है. ओके पवन. यस थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सर. नेक्स्ट फ्रेंड्स कोई पूछना चाहेगा? बहुत भूख लगती है और फिर भूख लगने के बाद हम लोग उसकी और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर वहां से हमारा पढ़ाई से फिर मन भटक जाता है, तो उसके लिए क्या करना है? जी भूख बहुत लगती है. हाँ इस पे मैं मैं मेरे फादर मुझे हमेशा जब मैं पढ़ाई करता था मेरे फादर मेरे पास टेबल पे कुछ स्वीट्स, क्योंकि हम लोग जरा स्वीट्स खाने के बड़े शौकीन थे और हमारे घर में स्वीट्स हमेशा होती थी, तो स्वीट्स मेरे पास रख देते थे कि बेटा जब भूख लगे थोड़ा सा खा लो. तो मुझे लगता वो एक पॉलिसी भी एक अच्छी हो सकती है कि थोड़ा थोड़ा आप खाते रहो. बहुत इकट्ठा एक बार में खाओगे तो नींद आएगी और भूखे रहोगे तो भी पढ़ाई नहीं होने वाली है ना. तो आप अपने जो पसंद की भी चीज़ हो और थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी ठीक हो ऐसी चीज़ आप अपने स्टडी टेबल वगैरह के पास रखो, और जब आपको लगता है तो मुझे लगता है दो एक घंटे में डेढ़ घंटे में आप थोड़ा सा कुछ भी खा के पानी पी लीजिए तो अगेन आप री एनर्जाइज्ड हो जाएंगे. नीरज सर तो हम लोग हिमालय में जाते थे तो वहां पर एक हमको फ्रूटी का पैकेट मिलता था छोटा सा 10 रुपए वाला, जिसकी वहां पर वैल्यू बहुत ज्यादा रहती है. तो नीरज सर वो एक फ्रूटी के पैकेट को वो कम से कम 3-4 घंटे तक के चलाते थे थोड़ा थोड़ा सिप 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 में पीते हुए. तो नीरज सर भूख लगती है तो क्या करना चाहिए? हाँ वही है कि खत्म हो जाएगा तो तब लगता है ऐसा कि यार मैं फट से पी लू, या एक कैडबरी भी होती थी फ्रूटी के साथ. हाँ. तो कैडबरी भी सब लोग खा देते फट से, मैं बस छोटा सा होल करके थोड़ा थोड़ा उसको भी जूस के समान लेता था कैडबरी को. तो हाँ. ऐसा है कि 2 घंटे चलती थी वो खाते हुए बहुत मजा आता था वॉक करने में, और फिर 2-2 घंटे का नेक्स्ट डेस्टिनेशन पहुंच जाते थे, तो एकदम पूरी जर्नी एकदम खाते पीते रिलीज हो गई इस सॉर्ट ऑफ में. और स्कूल के टाइम भी जब पढ़ाई करते थे या घर पे भी सेल्फ स्टडी, तो एक वो चटपट आता था और ऐसी बहुत सारी जो ना एक पैकेट में 20-20 गोली होती है छोटी छोटी, या जेम्स होती थी एक पैकेट में 20-20 या 15-15, तो उसको टीचर से छुप के हर 5 मिनट में एक जेम्स पूरा टाइम मुंह में होनी चाहिए, अगर जेम्स है तो मजा आ रहा है ऐसा था पढ़ाई का. जेम्स नहीं होता पढ़ाई भी मजा नहीं आ रहा था ऐसा था तब सॉर्ट ऑफ कभी कभी, तो जेम्स के भरोसे बहुत सारी पढ़ाई किया. और फ्रूट्स खा सकते हैं, मतलब फ्रूट्स तो बेस्ट है, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी विटामिन्स मिनरल्स भी मिलेंगे. एंड मैं तो फ्रेंड्स क्या करता था पढ़ाई के वक्त में साथ में 1 लीटर की पानी की एक बॉटल रखता था एंड टारगेट रखता था कि ये 1-1.5 घंटे में इतने पेजेस होना चाहिए एंड एक बॉटल खत्म होना चाहिए. तो भले ही पेजेस कंप्लीट नहीं होते थे बट वो बॉटल जरूर कंप्लीट होती थी, उससे बहुत फ्रेश लगता था थ्रू आउट. तो बाकी भूख तो ऐसा है कि जब भूख लगी हो तो कुछ खा लिया करो. यस नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. बीएचयू के नाम से कोई बोल रहा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. हाँ मैं भी वही सोच रहा था बट वो नहीं. सर कुड यू प्लीज समराइज द आइसोलेशन थ्योरी अगेन? यश यश सर आपके थ्योरी के लिए सवाल आ गया. राइट सो आइसोलेशन थ्योरी मतलब इतना ठीक है फर्स्ट डोंट कॉल इट थ्योरी तो इजीली समझ जाएगा. तो इसका मतलब है कि जब आप कोई एक चीज कर रहे हो राइट तो थिंक अबाउट इट, तो उससे क्या होता है तो इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि अगर आपको पूरा आगे का पाथ पता है तो आप कंफर्टेबली कर जाते हो, अगर नहीं पता है तो अनसर्टेनिटी रहती है, अनसर्टेनिटी रहती है तो दिमाग में बहुत चीजें आती है, तो वो बहुत चीजें के वजह से जो करना है वो भी ठीक ठीक होता है, इट्स नॉट लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी. जैसे इन्होंने ट्रैक का एग्जांपल बताया, आई रिमेम्बर हम लोग फर्स्ट टाइम आई थिंक सबका फर्स्ट टाइम हिमालय साथ में ही था, हम लोग सब साथ में गए थे. तो मेरे मन में तो बहुत अनसर्टेनिटी और मैं तो छोटा भी था इनसे, तो मेरे इसमें बहुत अनसर्टेनिटी थी क्या होने वाला है ऊपर, और बारिश भी बहुत आ रही थी फर्स्ट टाइम हो तो क्यों थी क्योंकि मेरे को पाथ नहीं पता था कि होने क्या वाला है ऊपर क्या होता है ऊपर. सेकेंड टाइम आई डिड इट वेरी कंफर्टेबली क्योंकि मेरे को पता था हाँ ठीक है ऊपर जाके टेंट होगा टेंट में जाके सोना ही है राइट. तो अगर आगे का पाथ पता है तो आप भूल जाते हो कि आगे का टेंशन नहीं लेते हो बेसिकली राइट. तो आइसोलेशन थ्योरी मतलब अभी अगर लेट से मेरी एक एग्जाम है तो मेरे को वो नहीं सोचना है कि इसके बाद मेरे को और क्या पास करना है राइट. आई विल जस्ट थिंक अबाउट वन एग्जाम
एंड द पॉइंट इज इफ लाइक इफ यू मेक योर माइंड बिलीव कि मेरे को तो पूरा पाथ पता है, इसके आगे का भी पाथ पता है मेरे को, अगर बस रोज अगर आप इसको बोलो कि ये होने के बाद तो कुछ करना ही नहीं है, इट्स लाइक ये हो गया, इट्स लाइफ सेट है, ये चाहिए था लाइक लाइफ में, ये चाहिए था, ये कर लो, सब खत्म. अगर आप बार बार माइंड को बोलो तो योर माइंड विल बिलीव कि मेरे को पूरा पाथ पता है, और जब इंसान के पास सर्टेनिटी आ जाती है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस अच्छा करना चालू कर देता है. तो और इसके बहुत सारे तरीके हैं, इट्स नॉट लाइक कि जस्ट एक 5 मिनट का सॉन्ग सुन के, इट्स अ फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप इज टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, देन अगेन इसका भी सब पार्ट है. फर्स्ट सब पार्ट इज आप एक एग्जाम को आइसोलेट करो, उसके बाद एग्जाम से आइसोलेट करने के बाद यू नीड टू आइसोलेट योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट को आइसोलेट कैसे करते हो, यू एग्जैक्टली नो 2 महीने में मैं कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ने वाला हूँ और कितनी बार रिवाइज करने वाला हूँ. एक बार सब्जेक्ट आइसोलेट हुआ देन यू विल नीड टू आइसोलेट योर लेसन. लेसन आइसोलेशन मतलब वो सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना रहे हो आप कि मैं सेकेंड को ये 3 लेसन पढ़ूंगा, फोर्थ को ये 2 लेसन पढ़ूंगा, राइट. एंड देन उसके बाद आप दिन को आइसोलेट कर रहे हो कि 3 लेसन में मैं 4 घंटे एक लेसन पढ़ने वाला हूँ, 3 घंटे. वेन यू हैव अ क्लियर पाथ आप सब भूल जाते हो कि हाँ चल बाद में जो होगा देखेंगे, मेरे को 3 घंटे ये लेसन पढ़ना है, दैट्स योर ओनली टास्क. तो आइसोलेशन थ्योरी इज जस्ट थिंकिंग अबाउट वन थिंग, और जैसे अगर आप जितने कम वेरिएबल्स रहेंगे दिमाग में उतना बेटर परफॉर्म करोगे और उतना मोटिवेटेड रहोगे, बिकॉज यू बिलीव कि ये 3 घंटे करने से मेरा बहुत अच्छा होने वाला है. ओके. जैसे हम लोग गूगल मैप्स देखते हैं, हमको कोई पर्टिकुलर एड्रेस पे जाना है तो हम लोग गूगल मैप्स में वही एड्रेस डालते हैं जहां हमको जाना है, और एक बार उसने हमको पाथ बोल दिया कि अगले 1 किलोमीटर तक की स्ट्रेट जाना है तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है. लेकिन फिर वो अगर बोलता है अभी 20 मीटर बाद लेफ्ट है, फिर राइट है, फिर लेफ्ट है, तो हम स्लो हो जाते हैं. तो अगर आगे का पाथ क्लियर है तो हम लोग की स्पीड बढ़ जाती है. तो यश जो कह रहा है बिल्कुल वो आपकी गूगल मैप्स के एग्जाम्पल से लिंक कर सकते हैं. हाँ राइट. और जरूरी नहीं है सब पता होना चाहिए, यू जस्ट नीड टू मेक योर माइंड बिलीव कि मेरे को सब पता है. एक बार एक महीना ट्राई करके देखो, टाइम टेबल बनाओ कि हाँ मैंने रोज 5 मिनट सेशन खुद से किया है, इट विल वर्क. टाइम टेबल से अब एक्चुअली डर लगता है क्योंकि साल भर में इतने सारे टाइम टेबल्स बना लिए और फिर वो फॉलो नहीं हो पाए. हाँ राइट. तो बट वो टाइम टेबल बनाने के पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है. फर्स्ट बिलीव कि वो एग्जाम एक ही चीज है मेरे लाइफ में, देन गो टू टाइम टेबल. लाइक इट्स अ स्टेप बाय स्टेप. अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहोगे तो टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा. मोटिवेशन का फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू बिलीव कि एग्जाम इज द ओनली थिंग इन माय लाइफ दैट कैन चेंज माय लाइफ. या इररिस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, एनी दैट थिंग, एनी पर्टिकुलर गोल इज द ओनली थिंग दैट आई नीड टू अचीव और ये मेरी लाइफ चेंज कर देगा. मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ कि टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ, बट देन मैंने हार नहीं माना, बनाते रहा. जैसे मैंने टारगेट बनाया कि मुझे दिन में 10 घंटे पढ़ना है ये सब्जेक्ट्स, मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ पाया, बट देन नेक्स्ट वीक मैंने 5 पढ़ा, फिर 7, फिर 8. समहाउ कुछ वीक्स के बाद मेरा फॉलो होना शुरू हो गया. तो टाइम टेबल फॉलो करने में ये जाता है, थोड़ा वक्त जाता है, बट हार नहीं मानना, गिव अप नहीं करना उस टाइम पे, सोचना कि मैं ट्राई करते रहूंगा जब तक कि वो फॉलो नहीं होता. इनफैक्ट सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है बहुत लोगों को. आप गिव अप करना छोड़ दो कि मेरा भाई है वो बोलता है मैं उठ ही नहीं पाऊंगा मुझे पता है, तो क्या वो पढ़ा थोड़ी रहेगा ना बेड पे दिन भर, बट वो डेली ट्राई करेगा. मतलब मैं भी डेली ट्राई करूंगा कि उठना है, आज नहीं हुआ तो कल, आज नहीं हुआ तो कल, कल नहीं तो परसों. तो यू नीड टू कीप ट्राइंग, एक ना एक बार तो फॉलो होगा. और लेकिन ना हम जब फॉलो नहीं भी हुआ तो ना एट दी एंड आप जब रिजल्ट देखोगे तो ऐसा होगा कि ना इस टाइम टेबल के चक्कर में आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो चुकी होगी, क्योंकि नहीं नहीं पूरे 10 घंटे तो 6-7 घंटे तो फॉलो किया होगा, तो एट दी एंड कुछ अच्छा ही होगा. टाइम टेबल अगर अचीव नहीं हुआ तो दो उसकी पॉसिबिलिटी है, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में शर्मा सर पढ़ाते हैं कि या तो आपका टारगेट बहुत ज्यादा है या तो आपके एफर्ट्स बहुत कम है, मतलब या तो फिर दोनों, मिक्स ऑफ बोथ. तो आपको देखना होगा कि आपके कंट्रोल में क्या एफर्ट्स है जिसको आप बढ़ा सकते हो, या क्या टारगेट ही आपने अनरियलिस्टिक रख दिया है. जैसे कि आपने टाइम टेबल में रख दिया कि 1 घंटे में 25 पेजेस पढ़ना है, तो वो नहीं होगा फिर अगर आपकी कैपेबिलिटी के बाहर है. तो आप लोग उसको फिर अगली बार वापस से रिवाइज कर सकते हो. तो एक जापानीज सेइंग है कि फॉल डाउन 7 टाइम्स एंड राइज अप 8 टाइम्स. तो बस है कि अभी फेल होना बेहतर है एग्जाम में फेल होने से. तो संभव होगा अगर हम लोग बार बार ट्राई करेंगे तो. थैंक यू. हेलो सर, गुड इवनिंग. हेलो सर, आई हैव जस्ट अटेम्प्ट माय बोर्ड एग्जाम एंड सर मुझे एक
प्रॉब्लम दिखा कि मैं मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं और जंबलिंग ऑफ सब्जेक्ट्स होता है सर, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ू वो पढ़ू कि सर मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है मतलब आप उस सब्जेक्ट को सब समझ चुके होते हैं लेकिन फिर भी आपके मन में ऐसा थॉट आता है यार ये मेरा क्लियर हो मतलब मैं मुझे इसके सब कॉन्सेप्ट याद है या नहीं है मतलब वो एंड वक्त पे अपने माइंड में एक थॉट आता है सर व्हाट वुड यू डू अबाउट इट. उसको पार्क कर दो, मतलब वही है टाइम टेबल और जो यश ने आइसोलेशन वाली बात बताया, बस वही है कि उस चीज को उस समय जब आप सब्जेक्ट ए पढ़ रहे हो तो सब्जेक्ट बी सी डी ने आपको चिंता नहीं देना चाहिए. तो अगर आपके पास प्लान रेडी है तो फिर ऐसा होगा कि आप जब एक चीज पढ़ रहे हो तो बाकी चीजों की चिंता नहीं है क्योंकि आपको पता है कि बाकी चीजों का टाइम अलोकेटेड है. सो देयर इज अ सेपरेट टाइम फॉर द अदर थिंग्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारी आज से दो दिन बाद सीए फाउंडेशन की नई बैच स्टार्ट होने वाली है तो हम लोगों को उसका भी काम हमारे दिमाग में चल रहा है कि हमको उसके भी बैच के लिस्ट बनाना है, नोट्स को फाइनलाइज करना है, सब करना है. लेकिन अभी हम लोग इस चीज पे आपके साथ सेशन ले रहे हैं तो अभी हम लोग उस चीज को बीच में नहीं आने दे रहे हैं, राइट? आपके दिमाग में अगर 10 थॉट्स आते हैं तो थॉट को कहीं लिख करके पार्क कर दो और जब जिसका समय आएगा तब उसको आप आंसर करना. क्योंकि हम लोग हम लोग एक साथ चार सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकते ना, चार किताबें खोल करके. यश ने भी एक चीज बताई थी कि खुद को बेवकूफ बनाना होता है ऐसे टाइम पे. मुझे भी ना जब भी कुछ पढ़ा तो ना ऐसा लगता है कि यार वो याद नहीं होगा, ऐसा क्वेश्चन हर चैप्टर के एंड में आता याद है क्या, तो मैं तो खुद को झूठ बोलता हूँ. मुझे पता है ऐसे याद है कि नहीं, आई डोंट नो, मैं इवैल्यूएट भी नहीं करूंगा क्योंकि ऐसा मैं इवैल्यूएट करते बैठा तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन होगा. तो खुद को बस बेवकूफ बनाना है, पढ़ाई तो कर दिया है, रिवीजन भी हो गई है, क्वेश्चंस बार बार आ रहे, तो खुद को बस बोल देना कि हाँ मुझे याद है, हाँ मुझे याद है. तो नेक्स्ट टाइम एटलीस्ट पढ़ने के लिए अपन अपना कप जो है वो ओपन रहेगा, अपना इनपुट पावर थोड़ा अच्छा रहेगा. तो खुद को हमेशा बोल देना जब भी क्वेश्चन आया, हाँ मुझे आता है, इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, एग्जाम में देखेंगे, सॉर्ट आउट. थैंक यू सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग नित्या फ्रॉम सियोनी. यस सर. बोलिए बोलिए सर. मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अपने सीए कोर्स के साथ साथ ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं. नीरज सर. हाँ, सीए कोर्स के साथ कोई भी एक चीज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन करो, कभी सीएस करो, है ना. आप अगर शायद ऑनलाइन बैच में हो तो हम लोग फर्स्ट डे ही ना ये सब चीज के ऊपर ब्रीफ देते हैं कि इसके साथ में क्या करना चाहिए. तो yes, हाँ, तो डोंट वरी अबाउट इट, फर्स्ट डे आपको सब बताएंगे क्योंकि ए टू जेड चीजें है ना. यस सर. सर अगर बीच में जनरली अगर कुछ फैमिली इश्यूज या किसी चीज के कारण अगर हमें बीच में सीए रोकना पड़े, अगर हमारे दो सेक्शन दो वो क्लियर हो, दो स्टेप्स जैसे आईपीसीसी तक हमारा क्लियर हो जाए तो उसके बाद फिर कोई स्कोप बचता है या नहीं? हाँ, स्कोप बहुत है आपको. हमने 16 को एक सेशन हुआ था तब भी बताया था, स्कोप है. स्कोप की कोई चिंता ही नहीं है, आपने इतना पढ़े हो दो लेवल काफी इक्विप्ड हो जॉब वॉब के लिए, कोई इशू नहीं है उसमें भी. यस सर. क्योंकि आपको काफी सारा वर्किंग नॉलेज आ जाता है दो लेवल करके भी, मतलब मच बेटर देन मतलब जस्ट अ ग्रेजुएट, मच बेटर. सर जो इंटर्नशिप होती है वो हम अपने सिटी से कर सकते हैं या फिर जहां से हमें वहां करना है वहीं से करना पड़ेगा? नहीं, आपको जहां से करना है कर सकते हैं, बस वहां सीए होना चाहिए, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, उनके अंडर में आप कर सकते हैं एनरोल. यस सर. ओके, थैंक यू सर. ओके, वेलकम. और कोई कुछ पूछना चाहता है? पहले लक्षिता, लक्षिता कुछ पूछ रही थी. लक्षिता आप पूछिए. यस सर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग सर. मुझे एक क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सुना है कि ह्यूमन साइकोलॉजी ये सब कहती है कि अगर हम अपने गोल्स के बारे में ज्यादा बातें करते हैं तो उसका जो अप्रोच है, मतलब हम जो उसको अचीव करने वाले होते हैं वो हमारी क्षमता कम हो जाती है अचीव करने की. तो क्या ऐसा सही में होता है कि नहीं? कैसे? बहुत सिंपल लॉजिक कि अगर आपकी योगा में मैं सद्गुरु को बहुत सुनता हूँ तो कहते हैं कि योगा में एक हिंदू कल्चर में एक सेइंग है कि अगर आपकी एक आंख गोल पे है और एक आंख एफर्ट पे है तो आप अपना पूरा फोकस अपने एफर्ट पे नहीं डाल पा रहे हो. तो गोल क्या है, सेट कर दो लेकिन फिर पूरा फोकस एफर्ट पे ला लो, गोल की तरफ रोज की रोज अग्रसर होना है. अगर आप रोज सुबह उठ करके एक माउंटेन पीक को ही सोचोगे तो वैसे वर्क नहीं करेगा. रोज सुबह उठ करके सोचते हैं आज हमको क्या करना है, तो rather than thinking about the bigger goal, you can keep on focusing on daily effort.
एंड मैं तो वैसे भी कोई गोल्स का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ. आई ऑलवेज बिलीव इन एफर्ट बिकॉज दैट इज इन आवर कंट्रोल. गोल तो इवेंचुअली मिल ही जाता है. नीरज सर आप गोल्स पे एक्सपर्ट है, आप फुटबॉल खेलते हैं. बस वही है कि बार बार एक ही चीज नहीं सोचनी है. क्या जैसा सर ने बताया, एक बार टारगेट ब्लॉक कर दिया उसकी तरफ अगेन या तो उसे ब्रेक कर दो और बस हार्डवर्क में लग जाओ. लोग क्या करते हैं, लोग रोज सुबह उठते हैं, बढ़िया उठे, आज दिन भर सोचे मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा. जैसे मैंने 10 सीक्रेट वाली बात बताई थी, तो वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप करते थे, नो हार्डवर्क. सिर्फ सोचो या मेरा बहुत बड़ा घर बनने वाला है, मेरी बहुत बड़ी गाड़ी, मेरी बहुत बड़ी बीवी, नहीं आई मीन जैसा भी, तो ऐसा सोच के तो द थिंग इज सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होने वाला है. तो बस ये डिफरेंशिएट करना सीख लो, है ना. और रोज नया गोल मत बनाओ, एक बार गोल बनाया इट इज ओके. हार्डवर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना. एक बार गोल बन गया है. ओके सर, सर एक एंड गोल के. हाय यश. या गोल के बारे में बात करना इज फर्स्ट इज कि आप और किसी के दिन रात बात कर रहे हो, मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा एक्सेट्रा. सेकेंड होता है यू जस्ट थिंक अबाउट योर गोल लाइक खुद के दिमाग में, एंड इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, जस्ट टू बिलीव कि वो जो चीज करनी है वो अचीवेबल है. दैट्स इट. इट्स नॉट लाइक कि मेरे को वो चाहिए ही, मैं ये ऐसा करूंगा. द ओनली ऑब्जेक्टिव कि खुद को गोल बार बार रिमाइंड कराने का इज टू जस्ट बिलीव कि हाँ ये तो अचीवेबल है, इट्स जस्ट अबाउट माई एफर्ट. अगर आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा. इट्स जस्ट कि हाँ रोज याद दिलाना कि ये तो अचीवेबल है, इट्स जस्ट अबाउट माई एफर्ट. Yes. Okay, thank you, sir. और सर एक और क्वेश्चन था. सर जैसे अभी 12th बोर्ड्स था, तो उसमें अकाउंट्स हमने साल भर बहुत प्रैक्टिस की, मतलब बाकी सब्जेक्ट भी इतना नहीं किया जितना अकाउंट्स किया था. मतलब बोर्ड के बुक के अलावा भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए. और जब अकाउंट्स का बोर्ड का पेपर आया तो एक दिन पहले एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं हमने साल भर प्रैक्टिस की तो पेपर अच्छा ही जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स दिमाग में हैं. और जब पेपर लिखने गए तो बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही, एकदम नर्वसनेस आ गया, मतलब पेपर उतना अच्छा नहीं गया जितने हमने प्रैक्टिस की थी. तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस आ गया था कि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था. अकाउंट्स में शर्मा सर इज द एक्सपर्ट, ही इज हियर विद अस. सर प्लीज. मैं अभी के लिए तो इतना ही बोलूंगा कि आपको इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं होती है अकाउंट्स में. ये शो करता है कि शायद आप वो चीजों को समझ नहीं रहे थे, आप उन चीजों को बार बार करके मेमोराइज कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे. और मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलता हूँ कि बैलेंस शीट टैली करना ये बच्चों का खेल है. तो अगर आप बैलेंस शीट, एक तो होता है भी जल्दी जल्दी में गलती हो गई एग्जाम के टेंशन में, वो एक अलग बात है. बट अगर आप रेगुलर में आपके प्रॉब्लम में बैलेंस शीट टैली नहीं हो पाती है, इसका मतलब होता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चीजें समझी हुई नहीं है, आपने चीजों को प्रैक्टिस करके सिर्फ याद कर लिया है. तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस यू नो, अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोराइजिंग. तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इनको आपने मेमोराइजिंग नहीं करना चाहिए बल्कि अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए. कम प्रैक्टिस में आप ज्यादा कॉन्फिडेंस उसमें ला लोगे. ओके सर, थैंक यू सर. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. गुड इवनिंग सर. सर कौन सा? हाँ बोलिए. सर जैसे हम जब भी स्टडी करने बैठते हैं तो मैक्सिमम एंड मिनिमम आज कितने घंटे जैसे ये बैठना चाहिए एक बार में? ऐसा कुछ भी नहीं हर्षित, अगर आपके पास में समझो 10 मिनट का स्लॉट है तो 10 मिनट में भी हम लोग बहुत कुछ पढ़ सकते हैं. और अगर आप 2 या 2.5 घंटे भी बैठ सकते हो, कभी मूड बन गया तो 2-2.5 घंटे भी बैठ सकते हो एक सिटिंग में. इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट इज देयर इन हैंड, आपका मूड कैसा है और टारगेट क्या है. जैसे कल अगर पेपर है तो और मुझे अभी 5 घंटे पढ़ना है, मतलब पढ़ना है तो मैं 5 घंटे पढ़ूंगा. ऑब्वियसली हर 1-1.5 घंटे बाद थोड़ा सा माइंड को ब्रेक दूंगा 5 मिनट का. लेकिन अगर उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है तो 15-15 मिनट भी पढ़ सकते हैं. तो देर इज नो वन आंसर कि इतना पढ़ना चाहिए. अब नोइंग दैट कि आप सीए इंटरमीडिएट में हो
तो आपने एटलीस्ट हर सब्जेक्ट को रोज जो घर पे पढ़ते हो हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स आपने करना चाहिए, सो दैट उसका एक साइजेबल पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाए, मतलब मोमेंटम बने तो उसका आप फायदा भी उठा पाओ, क्योंकि मोमेंटम बनने को भी कभी कभार टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं कि मोमेंटम बनने आया और यहाँ अपन उड़ गए उससे। सर पवन सर, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। तो जैसे मैं ऐसे टारगेट बनाता हूँ, जैसे आज मेरे को एक चैप्टर पूरा खत्म करना है, तो वो सही होता है गलत होता है कभी कभी? नहीं, वो डिपेंड करता है ना आपके आगे का टारगेट क्या है, मतलब आपको आगे क्लास टेस्ट है आपकी, या आपको बाकी भी सब्जेक्ट बैलेंस करना है, चैप्टर कितना बड़ा है, ये बहुत ही जेनेरिक क्वेश्चन है। एक चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है, उसमें सही या गलत कैसे बताएंगे, आपकी आज की सिचुएशन क्या है उस पर बता सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट इतना कर रहे हो कि दूसरे सब्जेक्ट पूरे पीछे रह जाए। तो जैसे कि यश ने एक बार क्लास में बहुत अच्छे से बताया था कि सभी सब्जेक्ट को साथ में ले लेके चलना चाहिए, एक लेवल पे लाना चाहिए, फिर आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोई गलत नहीं है उसमें। तो मैं तो वैसे भी उस तरीके से ही पढ़ता था कि भाई ये चैप्टर उठाया, कितने पेज का है, कितने घंटे लगेंगे, और शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर बाकी कोई चीज का सोचता नहीं था कि भाई दूसरे कोई सब्जेक्ट का है, दूसरे कोई चैप्टर का। तो तभी हमारा फोकस उसमें बनता है। और चैप्टर टोटैलिटी में देखें तो उसका ज्यादा फायदा होता ही है। शर्मा सर तो हमेशा वही बोलते हैं कि टोटैलिटी में कोई चीज करते हैं तो ज्यादा क्लैरिटी आती है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो, यस इशिका। हेलो सर। Yes, सर, जैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ने के बहुत नींद आती है मेरे को, स्पेशली थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ने में। यस सर, नाउ माय क्वेश्चन। यस इशिका। सर, जैसे हम थ्योरी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो बहुत नींद आती है, तो उसको कैसे ओवरकम करें? तो यश, यू वुड वांट टू आंसर? नीरज सर, यू वुड वांट टू आंसर? अरे यश आ रहा है क्या, पूछ लो। हाँ, सो मैं वो बताता हूँ मैं क्या करता हूँ, राइट? सो वो मेरे को भी यार, सो ऑल नींद रिलेटेड प्रॉब्लम आई कैन रिलेट टू लाइक वेरी क्लोजली। सो नींद के तो थ्योरी सब्जेक्ट में मैं क्या करता था, मैं कभी थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे नहीं कि मैं चार घंटे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ लिया। लाइक मेरा एक था 2 hours slot कि मैं थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उसके बाद मैं 2 hours प्रैक्टिकल पढ़ूंगा, उसके बाद अगेन वो जो थ्योरी छोड़ी थी वापिस आई यूज्ड टू स्टडी that theory subject. So, like in my plan, I used to plan it like ki ek theory subject aur ek practical subject. Agar aap ek din 12 ghante sirf theory subject padh rahe ho, to there's a high possibility ki aapko next day kuch bhi yaad nahi rehne wala hai, kyunki last ke 6 hours you are zoned out. Aise nahi yaad rehta itna. It's about the intake capacity, right? So, there are two, to isme do cheez hai. Pehli, beech mein practical subject padho, aur second, theory subject mein main ek book leke baithta tha. उसपे जैसे लेट से मैं सुबह 8 बजे पढ़ने बैठा हूँ तो उसमें लिखता था 8, 8:30, 9, 10, राइट? उसके बाद 8:30 बजे आई यूज टू जस्ट राइट मैंने कितने पेजेस पढ़ लिए, ये स्टार्टिंग में बहुत काम आएगा, राइट? लाइक तुम आप लोग बहुत सुनोगे, सब लोग बोलते हैं 10 पेज होना चाहिए, 20 पेज होना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं होता है, राइट? तो मैं 8:30 बजे सिर्फ लिख देता था मेरे कितने पेजेस हुए, 9 बजे एक और बार लिख दिया, 9:30 एक और बार, 10 बजे। तो जब मैं देखता था तो मेरे को कभी कभी पता चलता था वाओ मैंने 2 घंटे में 4 पेज पढ़े, राइट? तो ऑटोमेटिकली सीरियसनेस आ जाता है। अगर आपको कोई ऐसे ऐसे मुंह पे ऐसे बताए हाँ तुमने 2 घंटे में सिर्फ 4 पेज पढ़े और तुम्हारी टेस्ट या एग्जाम है, तो ऑटोमेटिकली वो नींद चले जाती है। सो आई यूज टू फॉलो दिस टू थिंग, आई यूज टू राइट एंड देन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, and similarly I used to have targets कि मुझे इतने मिनट में एक पेज कंप्लीट करना है। तो मैं तो इसी का गेम की तरह बना लेता था कि इतना टाइम हो गया, क्या मेरे उतना पेज हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरा माइंड बार बार बिल्कुल अलर्ट हो जाता था। और जैसे हम लोग ने ना, नीरज सर और मैंने साइकिलिंग में भी 200 किलोमीटर इन अ डे, साइकिलिंग का एक इवेंट होता है वो कंप्लीट किया था। तो उसमें भी ना बहुत बोरिंग पैच आता है जहां पर हवा चल रही है सामने से, आपकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है एंड बहुत धूप आ रही है, छाया नहीं। तो वहां पर हम लोग क्या करते थे, जस्ट अगेन टारगेट रखते थे, अगले 5 मिनट में इतने किलोमीटर हो जाना चाहिए और 5 मिनट में इतना हो जाना चाहिए। तो वो टारगेट रख के भी थोड़ा 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 आगे बढ़ते जाते थे, क्योंकि वहां पर बोरियत आती है, तो यू हैव टू डील विद इट। नीरज सर, अबाउट बोर्डम, क्योंकि नींद बोर्डम से ही आ रही है उनको। वैसे भी कि जैसे मुझे भी बहुत नींद आती थ्योरी से, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ मॉर्निंग में थ्योरी पढ़ूंगा। क्या मॉर्निंग में याद भी अच्छे से होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है सोके उठने के बाद। तो मॉर्निंग 6 to 7:30 का टाइम फिक्स था जो अपना थ्योरी सब्जेक्ट था उसके लिए।
वो पढ़ने के लिए मैं टेरेस पे जाता था, सनराइज के टाइम पे टेरेस पे वॉक करते हुए थोड़ा सा पढ़ दिया तो नींद आ ही नहीं सकती, और फिर डेढ़ दो घंटे पढ़ा तो इतनी नींद जमा हो जाती थी बैलेंस में, तो फिर तुरंत जाए और सो गए वापस दो घंटे, ऐसा था। तो थ्योरी को हमेशा टेरेस पे जाके मॉर्निंग में पढ़ाओ। और ये बोर होना जैसे सर ने कहा, ये तो कोई चीज ही नहीं होती है, हम मानते हैं ये बस एक डमी थॉट होता है जो दिमाग में आता है, क्या क्या तुम्हें बोर हो रहा है, तो हम कहते हैं हाँ भाई हो रहा है चलो, तो बस ये नहीं होना चाहिए। तो बोर होने की कोई चीज नहीं होती, सोचना नहीं इतना, अपन सोचते बहुत है हर चीज को, इतना सोचते हैं कि मुझे बोर होगा क्या, मुझसे हो पाएगा क्या, इससे जो सीधा हम लोग एक्शन पे थोड़ा ध्यान दे तो अच्छे से हो जाएगा। वैसे भी पढ़ते पढ़ते ना अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हो तो इधर उधर मत देखो, जैसा यश ने भी कहा था आइसोलेशन थ्योरी, तो बस आपको ये चीज पढ़ रहे हो पढ़ते जाओ तो बोर होने का सवाल ही नहीं उठता। हाँ दिमाग में एक थॉट आएगा, लक्ष्मण रेखा के बाहर से एक रावण आएगा कि यार चलो बाहर, मगर लक्ष्मण रेखा क्रॉस करके बाहर नहीं जाना है, उसे कह देना कि कल आना सॉर्ट ऑफ। तो एक एक थॉट को आप इतना फील करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग भटकते जाएगा। तो द थिंग इज बोर होने नाम की कोई चीज नहीं होती, ज्यादा सोचना नहीं है, बस हमें पढ़ते जाना है। टारगेट रखा कि हमें 3 पेज पढ़ना है, बस 3 पेज पढ़ो, बाद में सोचना क्या सोचना है, बीच में थॉट आएगा तभी भी उसे बोलना 3 पेज के बाद। सर जैसे अगर अपन पढ़ते जाते बच जाते लेकिन फिर कुछ दिमाग में नहीं जाता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब बहुत देर पढ़ा पर कुछ याद नहीं रहेगा, दिमाग तो खाली है, अब दिमाग में कुछ ना कुछ तो जा रहा है, हो सकता है कि आप कुछ और सोच रहे हो, पढ़िए नजरें आपकी यहाँ पे है। अब ये कि जो आपका दिमाग का जो प्रोसेसिंग है और आपकी जो आंखें वो एक ही जगह पे रही तो समझ में भी आने लगेगा। तो बस ये कि मैं सोच रहा हूँ कि यार लॉकडाउन के बाद मैं क्या क्या करने वाला हूँ, अब देखा कि मेरा एक पेज खत्म हो गया, तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी सेंस, है ना। तो आप लोग 3-3, 4-4 लाइन के बाद ध्यान दो कि यार मेरा ध्यान पढ़ाई में है कि नहीं है, मतलब आंखें तो पढ़ रही है लेकिन क्या वाकई में मेरा दिमाग प्रेजेंट में मौजूद है, क्या नॉर्मली हैबिट होती है ब्रेन की पास्ट और फ्यूचर में जाने की, वो रोक के अगर उसे प्रेजेंट पे आप फोकस करो। अगेन आइसोलेशन वाली बात हो गई, आइसोलेशन टाइप का होगा तो आपका दिमाग प्रेजेंट में ही रहेगा, तो थॉट्स बहुत सारे आते हैं, हम लोग क्या करते हैं हर थॉट के साथ ना बातें करने लग जाते हैं, बातें अगर बंद कर दी जाए तो ऐसा होगा नहीं। एंड इसका मेजर रीजन मोबाइल है, मोबाइल को बाजू में रखना, पूरा ध्यान फर्स्ट पेज से आखिरी पेज के, फर्स्ट वर्ड से एक पेज का आखिरी वर्ड तक के होना चाहिए, दिमाग भटकता ही नहीं है एक्चुअली। और प्रेजेंट में रहने के लिए जस्ट टू ऐड टू नीरज सर का पॉइंट, थ्योरी में एक सिंपल चीज है जो मेरे को पवन भैया ने मेरे फर्स्ट डे में बताई थी राइट सीपीटी में, कि थ्योरी आप जब भी पढ़ते हो तो आपके सेकंड रीडिंग का टाइम कम होना चाहिए आपके फर्स्ट रीडिंग से, मैं सिर्फ ये फॉलो करता था। तो प्रेजेंट में रहने का सबसे इजी तरीका है आधा पेज होने के बाद उसकी समरी बना दो, स्टार्टिंग में इट विल वर्क अ लॉट, अगर आपको, अगर आप समरी बना पा रहे हो मतलब आपको समझ गया है, नहीं बना पा रहे हो मतलब आपने टाइम वेस्ट कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली आपका बोर्डम चला जाएगा कि मेरे को समझ नहीं रहा है, इंग्लिश में लिखा है और मेरे को समझ नहीं रहा है लाइक तो फिर अपने आप आपका फोकस बढ़ जाएगा। तो आफ्टर एवरी हाफ पेज मेक अ समरी, लाइक कंपलसरी मेक अ समरी, लाइक अगर वो समरी नहीं बनी है आपका लेसन दूसरा मत पढ़ो, क्योंकि आपको कुछ काम नहीं आने वाला है वो पढ़ा हुआ, क्योंकि 3 महीने बाद दैट वो समरी पढ़ के यू विल रिकॉल एवरीथिंग, तो इससे सब सॉल्व हो जाएगा आपका, थ्योरी याद रहना, प्रेजेंट में रहना, बोर नहीं होना, एवरीथिंग। और सर जैसे कि अभी मैंने सीए की फाउंडेशन एग्जाम दी थी और मैं वो भी क्लियर नहीं कर पाई, तो उसके बाद बहुत ऐसा हो रहा है कि चेंज करने की इच्छा हो रही है, बट एक साइड है कि मैं सीए भी करना है, तो उससे कैसे डील कर सकते हैं, क्या करने की इच्छा हो रही है, जैसे कभी इच्छा होती है कि सीए करने की, कभी कि कुछ और कर लूं, मतलब एमबीए या कुछ और में मन जाता है, तो उसको कैसे मतलब और नहीं, आई थिंक आप बस इतना सोचो कि आपने अपना बेस्ट एफर्ट दिया था फिर भी फेल हुए क्या, और आई एम श्योर कि आप बताइए आपने बेस्ट एफर्ट दिया था कि नहीं दिया था। सर थोड़ा दिया था, थोड़ा नहीं, मतलब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिया था, फिर एंड तक आता था बहुत कम दिया था। हां मतलब वही बेस्ट एफर्ट नहीं था, तो अगर आप अपना बेस्ट एफर्ट दे रहे हो फिर भी फेल हो रहे हो तो फिर वो कोर्स छोड़ दो, लेकिन आपने वो कोर्स शुरू किया था तो एक सक्सेस के इंटेंशन से ही शुरू किया था, तो ऐसे केस में डेफिनेटली इफ यू हैव गिवन योर हाफ हार्टेड एफर्ट तो रिजल्ट नहीं आएगा, और सीए के जैसे कोर्स में तो नहीं आता है, तो आप अगर एक और बार अपना बेस्ट एफर्ट दे करके देखो फिर रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा, मोस्टली बाय चांस नहीं आता है तो कुछ और कोर्स कर लो। ओके संजना आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, मतलब हम जो ये सीए के लिए, मैंने फाउंडेशन के लिए रजिस्टर की हूँ अभी,
तो मतलब रिलेटिव्स वगैरह ऐसे ये डालते हैं कि नर्वसनेस आती है, फिर मतलब बहुत टफ है, आप नहीं कर सकते ऐसा, मतलब आपकी ट्वेल्थ की एग्जाम कैसे गई उस पर डिपेंड होगा, मतलब नर्वसनेस आ जाती है फिर कि हम कर पाएंगे या नहीं, तो फिर कैसे करना चाहिए? नहीं तो आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी ना मुंबई की एक लोकल ट्रेन में चढ़ता है, तो उसको ना एक दूसरा आदमी आकर के बोलता है कि तुमने चोरी क्यों की, तुम तो चोर हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। तो फिर वो आदमी को बुरा भला सुना देता है उसको, तो उसको बड़ा बुरा लगता है कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी इसने मुझे इतना सुना दिया। तो थोड़ी देर बाद उसका दूसरा जो एक वहां पर एक को पैसेंजर रहता है, वो उसको कहता है कि भाई साहब वो आपको सिर्फ 20 सेकंड से जानता है, आप तो अपने आपको 20 साल से जानते हो, तो कोई और आपको क्या बता पाएगा कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप खुद को जानते हो कि नहीं जानते हो? तो बोलिए, मतलब नर्वसनेस आ जाती है फिर, मतलब हमें तो पता है कि हमें यही करना है, हमारा गोल फिक्स होता है, लेकिन हाँ। जब वो लोग बोलते हैं कि मतलब उनका एक्सपीरियंस होता है एक हाँ। बेटा ऐसा है ना कि कभी आप कभी लंगर में खाना खाने बैठे हो, मान लो आप किसी मंदिर में लंगर चल रहा है, लंगर समझता होगा, सब लोग पंगत में बैठते हैं खाना हाँ। खाने, और मान लो मैं वहाँ पे रोटी सबको बांट रहा हूँ, आप थाली दे के बैठे हो, मैं आपको रोटी ऑफर कर रहा हूँ, तो ये आपके हाथ में रोटी देना कि नहीं देना? मैंने ऑफर किया तो आपको जबरदस्ती देना नहीं है, मतलब यू कैन से कि मेरा पेट भर गया मुझे नहीं चाहिए, है ना? तो कोई भी आदमी आपको गाली दे या रोटी दे, जो भी दे, तो उसे देना या नहीं देना ये आपके हाथ में। तो नेक्स्ट टाइम से प्रोसेस ही मत करो, दिमाग में आने मत दो, आ भी गया एक कान से अंदर दूसरे से तुरंत बाहर निकाल दो, है ना? हाँ आप अपने सर्कल में ऐसे लोगों को रखो जो आपको ऊपर की तरफ पुश करे। जैसे मैं जब सीए कर रहा था तो मैंने उस समय जो टॉप में आए थे या जिन्होंने किया था, स्पेशली मेरे बड़े भैया, उनको भी देखता था कि भाई इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को अपने संगत में ज्यादा रखो। सो इफ यू आर इन द कंपनी ऑफ अचीवर्स एंड बिलीवर्स, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। जैसे आज हमने आपका यश से इंट्रोडक्शन करवाया, तो यश को देख करके कई जो हमारे स्टूडेंट्स है वो इंस्पायर होते हैं। तो जैसे हम लोग शर्मा सर को देख करके इंस्पायर हुए, तो वैसे ही आप भी अपने लाइफ में ऐसे जैसे शर्मा सर ने भी कहा, रोल मॉडल्स रखो जिन्होंने खुद किया है। ऐसा नहीं है ना कि उनको हर किसी ने बोला होगा बेटा तुम कर ही सकते हो, उनको भी बोलने वाले लोग होंगे, राइट? तो जैसे यश के पापा खुद ही बहुत डरते थे, वो तो मेरे मासा जी है, तो वो मुझे अच्छे से यश की कहानी पता है कि यश से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, एंड ही एंडेड अप स्कोरिंग ऑल इंडिया रैंक्स। तो आपका रिजल्ट अपने आप में एक जवाब रहता है हर सवाल का। हाँ सर, और सर मतलब पढ़ते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ये किया है, 2 आवर्स में हमारा एक चैप्टर होना चाहिए हाँ। और अगर वो नहीं हो पाता, आधा हो जाता है, तो हमें आधा छोड़ना चाहिए कि कंटिन्यू करना चाहिए? अगर हमने कंटिन्यू किया तो जो अगला सब्जेक्ट होता है हमने रखा होता है वो नहीं हो पाता, तो फिर मतलब उस सिचुएशन में कैसे करना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम कितने नजदीक है। एग्जाम नजदीक है तो आपने अगली बार से अपनी स्पीड बढ़ाना चाहिए, और एग्जाम को टाइम है तो आप समझने में और टाइम दे सकते हो, और कुछ बैकलॉग को मैनेज कर सकते हो। तो नॉर्मली मैं तो एक एग्जिट प्लान के साथ पढ़ता था कि भाई ये टॉप ये सब्जेक्ट को 2 घंटे दिया है तो 2 घंटे बाद निकल, जितना हुआ उतना हुआ, बाकी अगली बार देखेंगे। तो मतलब बाकी बाद में कवर अप करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट्स के आपस का बैलेंस भी नहीं बिगड़ना चाहिए। लेकिन अगर दिख रहा है कि हाँ 15-20 मिनट और पढ़ने से खत्म हो जाएगा तो फिर कर लेता था। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मोमेंटम एंड उस समय हमारा फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। अच्छा ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, मेरा ये एक सवाल था कि अर्जुन सर, पवन सर, एक मिनट मैं नाम लूंगा वो बोलेगा, आयुष का नाम ले रहा हूँ मैं, आयुष साहू। हाँ सर, सर मैं बोल रहा हूँ आयुष विल स्पीक जी सर, सबसे डिफिकल्ट टेबल रहता है सीएगा, सबसे डिफिकल्ट जी सर, सबसे डिफिकल्ट मतलब सर मेरा कहने का मतलब जैसे इंटर्नशिप जो रहती है उसमें मेन जैसे अपन अपने हिसाब से वो वर्क मिलता है कि फिर परसेंटेज के हिसाब से मिलता है कि फिर अपन आपके जो आईसीआईसीआई के अंडर में कवर करते हैं? नीरज सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तो आपको बहुत टाइम है, आप शायद अभी फाउंडेशन करने वाले हो ना। yes. तो देखो अपन ऑलरेडी अपने थॉट्स बुनना चालू कर देते, अपन ऑलरेडी सोचना चालू कर दिए कि मेरे साथ क्या होने वाला है, तो इससे अपने अंदर क्यों नेगेटिविटी लाना, जस्ट बी पॉजिटिव, जो तुमको चाहिए वो मिलेगा। बट ये कि तुमको अभी ये भी नहीं पता होगा कि तुमको क्या चाहिए, है ना, इंटरमीडिएट में आपको क्लियर होगा कि आप क्या चाहते हो, तो आप जो चाहोगे आपको वही मिलेगा, बस आप अभी से ये मत चाहो कि आप चाहते क्या हो,
तो द थिंग इज अभी से इतना मत सोचो, सब कुछ टाइम पे सब कुछ अच्छा होगा, है ना. ऐसा एक बुक है मिनी लाइफ मिनी मास्टर्स, उसमें उसका जो बुक का फर्स्ट पैराग्राफ है वो कुछ ऐसा है, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, जस्ट एट द टाइम व्हेन इट हैपेंस वी हैव नाइदर इनसाइट नॉर फोरसाइट टू कम्प्रिहेंड दैट इवेंट, बट विद टाइम एंड पेशेंस इट विल कम टू राइट. है ना, जो होगा अच्छा होगा. बस अभी से हम ये नहीं सोच सकते कि हमारे साथ क्या होगा, बट कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे साथ जो भी हुआ था सब अच्छा हुआ था. तो नीड नॉट वरी अबाउट इट एज ऑफ नाउ, सब कुछ अच्छा होगा आयुष तुम्हारे साथ, चिंता मत करो. सर वैसे लॉन्ग डाउट्स था तो मैंने क्लियर किया. नहीं, आपको आर्टिकलशिप में काम क्या मिलेगा वो अभी से बोल नहीं सकते, वो उस समय आप कौन से सीए के अंडर जाते हो, उनके पास कौन सा काम है, तो बाकी आर्टिकल्स क्या कर रहे हैं, तो उस हिसाब से एलोकेट होता है. इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में आएगा वो सबके ऊपर डिपेंड करेगा, वो भी हम आपको सब बताएंगे, चिंता मत करो सही टाइम आने पे. और अगर सर अपन अर्जुन आप बोल सकते पहले कुछ. हाँ हेलो सर. हाँ अर्जुन. हेलो. हाँ अर्जुन बोलो. सर माय डाउट इज अभी मैं सीए क्लियर नहीं बोल रहा, सीए अभी करने वाला हूँ, तो उसके साथ सपोज बीबीए करना चाहिए या बीकॉम करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो फिर ये बीकॉम ऑनर्स और फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग क्या है. तो ये भी ना बीकॉम है डिस्टेंस कोर्स का, आई मीन अलग अलग जगह ना बीकॉम का ये चेंज होता है, जैसे पवन सर ने भी किया है बीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तो कभी कभी आप बीकॉम कर सकते हो, कभी बीबीए कर सकते हो, कभी सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है. आप भी शायद ऑनलाइन बैच में हो क्या फाउंडेशन वाली. बस अभी पार्टिसिपेट करना है, पापा को बोल दिया, जस्ट मैंने आज ही ये ऑनलाइन सेमिनार में पार्टिसिपेट करा. कोई प्रॉब्लम नहीं. तो वही बात है कि हम लोग ना फर्स्ट डे सबको बताते हैं कि सीए के साथ आपने क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तब उसके निश्चिंत हो जाओ. हमारा पूरा आधा घंटा इसके ऊपर सेशन चलेगा कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है और हाउ टू गो अबाउट इट और व्हाट विल बी बेस्ट फॉर यू, है ना. तो वी विल कवर इट इन डिटेल, अभी आप चिंता मत करो. मैं एक्चुअली सीए करने का डिसाइड कर रहा है, लेकिन कुछ लोग कह रहे उसके साथ बीबी अच्छा रहता है, कोई कह रहा बीकॉम रहता है, और मेरे कुछ कुछ रिलेटिव जो बोल रहे हैं सर ने कर सकते हैं, है ना. तो दोनों कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन ऑनर्स और फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में रहता क्या है. कोर्स का नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी करके यूनिवर्सिटी की, कोर्स का नाम है बीकॉम विद मेजर इन अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस. जो स्टूडेंट सीए करते हैं उन लोगों को वो वाली डिग्री मिलती है उसमें. अच्छा, तो आपके अगर इफ यू एडवाइज मी तो सर कौन सा अच्छा रहेगा सीए के साथ, बीबीए या नॉर्मल बीकॉम. हम आपको आपके फर्स्ट डे पे ना सब समझाएंगे बैच में. अभी आज का सेशन ना पढ़ाई की क्या डिफिकल्टीज है उसके ऊपर है, तो कौन सा कोर्स करना वो हमको आपको स्पेसिफिकली वो कोर्स में समझा देंगे. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके, प्रांशु अग्रवाल. हेलो. हाँ बोलिए. हेलो सर. हाँ बोलिए. सर आप वो यश सर की स्टोरी शेयर कर सकते हैं क्या सर. यश सर की शेयर कर सकते ना हम आपको. स्टोरी यानी आपने आधी बात बताई, आप थोड़ा सा समरी टाइप्स में भी बताएंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेशन टाइप रहेगी. देखिए यश का ऐसा था कि मैं बताता हूँ, फिर यश यू कैन ऐड ऑन इफ देयर इज एनीथिंग मिसिंग. तो मैं बाकी लोगों को म्यूट कर देता हूँ. आई रिक्वेस्ट यू ऑल चेक कर लो आपका म्यूट मोड ऑन है क्या, मतलब आपका जो माइक्रोफोन का सिंबल है उसमें स्लैश रहना चाहिए. तो यश वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन स्कूल, वेरी सिंसियर. उसके बाद स्टैंडर्ड 12th के बाद में यश ने तब तक साइंस लिया था. ही वॉज एमिंग फॉर सम इंजीनियरिंग कॉलेज, वेरी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज. तो AI ट्रिपल ई की एग्जाम भी दिया, शायद IIT JEE भी दिया, बट देन समहाउ यश को हमारे कॉन्टेक्ट में आया. मेरे बड़े भैया भी सीए है, मैं भी सीए तब तक बन चुका था. तो यश को हम लोगों ने समझाया कि सीए का कोर्स भी बहुत अच्छा है यश, तुम्हारे लायक है. एंड यश के पापा थोड़ा डरते थे कि सीए के इसमें पासिंग परसेंटेज कम है तो कैसा, लेकिन हमने यश को फिर नागपुर में बुलाया. अमरावती में कंपेरेटिवली स्मॉलर टाउन है नागपुर से कंपेरिजन में, स्टिल नॉट दैट स्मॉलर टाउन.
तो अमरावती से यश को नागपुर में लाए एंड कैप्स में अगेन शर्मा सर के गाइडेंस में यश ने अपनी कोचिंग शुरू किया. तो पूरा सी ए कोर्स यश के लिए नया था बिकॉज ही वॉज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड एंड यश ने जून में बैच शुरू किया था. उसकी दिसंबर में सीपीटी जो अभी सी ए फाउंडेशन हो चुकी है पहली एग्जाम थी. तो बहुत सिंसियरली किया. मैथमेटिक्स का बैकग्राउंड बहुत अच्छा था तो यश को उसमें दिक्कत नहीं गई. अकाउंट्स में यश ने स्पेशली मेहनत किया एंड यश विल वाउच फॉर द फैक्ट कि शर्मा सर का जो पढ़ाने का तरीका था उससे यश का अकाउंटिंग बहुत क्लियर हो गया. कंसेप्चुअली समझ समझ के यश ने अकाउंटिंग को अप्रोच किया एंड बाकी सब्जेक्ट्स तो कर ही लिया बीइंग अ सिंसियर स्टूडेंट. तो यश एंडेड अप स्कोरिंग 175 मार्क्स आउट ऑफ 200 इन सीपीटी. तो आउट ऑफ 200 तो सीपीटी में उसका रैंक कुछ मार्क्स से रह गया. तो तब मैंने यश को समझाया कि क्यों रह गया. तो बोले कि मेरा इकोनॉमिक्स में कुछ याद करने वाली चीजें थी जो मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि बोर होती थी. तो तब यश को गाइडेंस दिया था कि अगले लेवल पे भी कुछ बोरिंग टॉपिक्स आएंगे इंटरमीडिएट लेवल पे आईपीसीसी लेवल पे तो भी उसको अच्छे से करना. तो यश ने आईपीसीसी लेवल पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई किया और अगेन कैप्स में ही कोचिंग कंटिन्यू किया पूरे सब्जेक्ट्स लगाया एंड अगेन शर्मा सर की बुक से पढ़ता था. ही यूज्ड टू से कि वो बुक से हमको पूरे कंसेप्ट ही क्लियर हो जाते हैं और शर्मा सर की क्लास लाइव क्लास करने का मौका मिलता था. तो ही वॉज अगेन वेरी गुड इन स्टडीज. बट यश ने क्या किया उसकी जो मॉर्निंग वाली क्लास थी कॉस्टिंग की वो कई बार मिस किया था बट वो खुद से सेल्फ स्टडी कर करके उसको कवर अप कर लेता था. एंड लेटर ऑन यश ने जब उसका एग्जाम आया तो 3 महीने आई रिमेम्बर एक रूम में बंद हो गया एंड किसी को डिस्टर्बेंस करने के लिए अलाउड नहीं. एंड पहले एक ग्रुप की पढ़ाई अच्छी किया फिर और एक ग्रुप की पढ़ाई कम समय में किया एंड दोनों ग्रुप की तैयारी करके टेस्ट सीरीज दिया 2 बार. उसमें से पहली बार अकाउंट्स के पेपर में फेल भी हुआ उससे भी उसको कुछ सीखने मिला. एंड सेकेंड टाइम 100 मार्क पड़े. तीसरे टाइम जब मेन एग्जाम दिया तो 750 में से 550 मार्क यश को मिले एंड ही एंडेड अप स्कोरिंग ऑल इंडिया 3rd rank इन नवंबर 2013 आईपीसीसी एग्जाम. आई रिमेम्बर एवरी डिटेल ऑफ यश जर्नी. एंड उसके बाद में यश ने साइमल्टेनियसली सीएस की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था एंड यश मुंबई गया. नीरज क्या आप अपना माइक्रोफोन ऑफ रख सकते हैं? सर ऑल इंडिया 3rd rank. जी हाँ ऑल इंडिया 3rd. ऑल इंडिया 3rd rank. सो दैट वाज पॉसिबल बिकॉज ऑफ हिज वंडरफुल कंसिस्टेंट स्टडीज स्पेशली इन द लास्ट 3 months. यश ने तो जमीन आसमान एक कर दिया था. आई नो हाउ ही स्टडीड एंड लेटर ऑन सीए फाइनल के पहले यश ने 3 साल मुंबई में डेलॉइट में यश ने आर्टिकलशिप किया एंड यस एंड वहां पर भी बहुत सिंसियर था. वहां पर 100 लोग थे जिन्होंने यश के साथ में ये सीए फाइनल की एग्जाम दिया नवंबर 2016 में. उसमें से सिर्फ 4 लोग उस समय सीए फाइनल पास हुए और उसमें से एक यश था और अगेन ही स्कोर्ड ऑल इंडिया 22nd rank. राइट यश? सो एंड और एक बात, सीए फाइनल में यश का बेस इतना स्ट्रांग हो गया था कि यश ने एक भी सब्जेक्ट की कोचिंग नहीं लगाया सीए फाइनल में क्योंकि उसका फाउंडेशन और इंटरमीडिएट में पढ़ने का तरीका और जो हाउ टू स्टडी इतना स्ट्रांग हो गया था. तो यश ने खुद ही बुक सिलेक्ट किया एंड सेल्फ स्टडी किया. अगेन फाइनल में मुझे याद है एक लर्निंग यश क्या करता था, जो भी मिस्टेक करता था ना प्रैक्टिस करते वक्त उसको एक अलग से नोटबुक में लिख के रख लेता था एक मिस्टेक बुक में, तो ताकि अगली बार वो मिस्टेक ना करे. और एग्जाम के पहले वो पूरी अपनी मिस्टेक्स को रिवाइज करके जाता था कि ये गलती नहीं करना है. एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ यू. उसके बाद भी 3 साल हो चुके हैं एंड यश इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो इन हिज करियर. ही हैज आल्सो कंप्लीटेड हिज सीएफए कोर्स एंड नाउ ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए. तो ये हमारी जर्नी है यश की. एंड यश इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग फ्रॉम दिस, स्टूडेंट्स आर रियली इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी. राइट, सो एज पवन सर सेड, सो जस्ट टू समराइज दिस सेशन आल्सो क्या-क्या पॉइंट्स थे. तो फर्स्ट पॉइंट वाज समवन आस्क कि लोग निगेटिव बातें करते हैं, तो फॉर्चुनेटली फॉर मी एक पॉजिटिव था कि मैं और किसी को पहचानता ही नहीं था एक्सेप्ट पवन भैया एंड हिज ब्रदर. राइट, तो मेरे लिए 2 ही सीए थे. लाइक मेरे को और कोई पता ही नहीं था जो सीए है, तो मेरे को कभी पता ही नहीं चला सीए हार्ड है. तो आई एक्चुअली गेव माई सीए एज लाइक 12th एग्जाम दे रहा हूँ मैं. मेरे को पता ही नहीं था कि बोथ ग्रुप भी अलग अलग देना पड़ता है. लाइक क्योंकि किसी ने बताया नहीं और किसी ने बोला भी क्लासेस में, तो मैंने बोला इनसे क्या पूछना है जब अपने पास है, यानी जो पास हुआ है उनसे पूछते हैं. क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव बातें उनकी सुनो जिन्होंने कुछ किया हुआ है सेम चीज. राइट,
तो फर्स्ट ये पॉजिटिव पॉइंट था. सेकंड वाज यस यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड एज आई सेड गो स्टेप बाय स्टेप. और मैंने एक चीज खुद से नोटिस की है मेरे जर्नी से कि एक बार अगर आप जो सोच रहे हैं वो हो जाए लाइक जो इवन इफ यू डोंट एक्सपेक्ट इट देन आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है देन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड वंस यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ देन आपको कोई चीज खींच नहीं सकती. फिर आपको कोई बोले ना आके कि सीए हार्ड है ऐसा है आप सुनोगे ही नहीं क्योंकि आर सो कॉन्फिडेंट. तो जहां पे भी आपको लग रहा है डर लग रहा है इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट. सो जस्ट मेक दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके लाइक कंसिस्टेंसी से आएगा. इफ यू आर कंसिस्टेंट आप कंसिस्टेंट आप किसी की बात नहीं सुनोगे. एंड सो माई लाइक बॉटम लाइन इज जस्ट बी जस्ट हैव पॉजिटिविटी अराउंड यू एंड एवरीथिंग विल गो वेल. Just have positivity. Awesome story. Awesome story and inspired a lot with that story of yes, sir. Thanks a lot, sir. You given us that story. I really thought inspired and motivated. Thank you, sir. आप ही हमारे next यश बनो. हो सकता है सर. शायद जूनियर यश. बिल्कुल नहीं नहीं यार नीरज बनोगे. हाँ नीरज बनो अपने अपने खुद नीरज थैंक यू सर. हेलो सर. यस यस हेलो गुड इवनिंग सर. जैसे एक मंथ पहले एग्जाम होती है और उसके एक मंथ पहले से हमें सब कुछ पढ़ना होता है तो हमें डेली सब्जेक्ट वाइज करना चाहिए जैसे कि आज एक सब्जेक्ट कल दूसरा सब्जेक्ट या फिर हर एक सब्जेक्ट को रोज रोज कुछ कुछ हिस्सों में बांट के करना चाहिए. नहीं एक दिन में आपको आप फाउंडेशन की बात कर रहे हो या अगले लेवल की कौन से लेवल की बात कर रहे हो सर. कोई भी एग्जाम फाउंडेशन या इंटरमीडिएट. नहीं देखिए मैं तो एक दिन में मैक्सिमम दो या तीन सब्जेक्ट करता था उससे ज्यादा एक साथ आठ आठ सब्जेक्ट नहीं कर पाता था. तो क्योंकि अगर हर सब्जेक्ट को टाइम अलोकेटेड है तो वो बाद में इवेंचुअली उसका टाइम आ जाएगा. तो एक दिन में मैक्सिमम दो या तीन सब्जेक्ट तो सो दैट हम लोग एक सब्जेक्ट को साइजेबल चार एक घंटे तो भी कर पाए. और सीए फाइनल में तो अपनी खुद की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है तो मैं एक दिन में दो ही सब्जेक्ट करता था दोनों सब्जेक्ट छह छह घंटे. उसमें भी पहला सब्जेक्ट तो सुबह जो साढ़े छह सात बजे से शुरू किए लंच टाइमिंग तक उसके छह घंटे खत्म. तो फिर दिन भर में नौ घंटे में फिर छह घंटे पढ़ना है. तो अब डिपेंड्स ऑन यू. मेरा एक फ्रेंड है जो एक दिन में आठ सब्जेक्ट पढ़ता था हर सब्जेक्ट को एक एक डेढ़ घंटा पढ़ता था. तो आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी वर्क करती है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा. एंड देयर इज नो वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स. यस नयन आप. हां यस सर. यस बोलिए. हां सर मेरा प्रॉब्लम है कि मैं तो पढ़ लेता अब लाइब्रेरी में दस घंटा पढ़ता था और आखिरी में देखता था तो मेरा तो मेरी तो पढ़ाई कुछ हुई नहीं है. मतलब स्मार्ट वर्क बोलते हैं ना वो मेरे को अपने को पाँच फाइव प्लस फाइव टेन आता है मालूम रहता है लेकिन अपने को कैल्सी में डाल के पता करना है मतलब वो कैसे अवॉइड करे. With more practice and with little bit of confidence on yourself, आप छोटी छोटी टेस्ट दो जिसमें आप सक्सीड हो जाओ है ना. आप 10-10 मार्क 25-25 मार्क की जो क्लास टेस्ट होती है वो दो और आप अपने आप को मौके दो. आप अपने आप के लिए टेस्ट रखो कि आपने सीए इंस्टीट्यूट का मान लो मॉडल टेस्ट पेपर ले लिया उसके 25 क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें देखो आपको जम रहा है क्या. अपने आपको टाइमिंग करो क्योंकि हर बार कोई टीचर नहीं रहेगा आपको बोलने के लिए कि आपको इतने समय में इतने क्वेश्चन करना है. तो स्मॉल सक्सेस विल गिव यू मोर कॉन्फिडेंस एंड एज यश सेड कॉन्फिडेंस इज द वैक्सीन फॉर फियर. सर वो टाइमिंग का बहुत मेजर प्रॉब्लम है मेरे लिए. मतलब मैथ्स का पेपर अकाउंट्स का पेपर मतलब वो जो स्पेसिफाइड टाइम रहता है उसमें कवर नहीं होता. तो उसके लिए क्या कर सकते हैं जो बहुत बड़े क्वेश्चंस है जिसमें आपको पता है देखते से कि इसमें टाइम लगने वाला है उसको आखिरी के लिए छोड़ दिए. जो बाकी क्वेश्चंस है सिमिलर मार्क्स के उसको पहले कर लिए. आपको कोई कंपलसरी तो नहीं है कि सेम सिक्वेंस में सॉल्व करना है. तो जो छूटेगा वो भी बड़े क्वेश्चन छूटेंगे जो वैसे ही छूट रहे थे आपके ठीक है ताकि आपका मार्क्स का कवरेज ज्यादा हो जाए. और आपको टाइमिंग पे वर्क करना पड़ेगा. विद प्रैक्टिस आपका टाइमिंग इंप्रूव होगा है ना. आपको अपने आप को मौका देना पड़ेगा. हर छोटी छोटी चीज कैलकुलेटर में डालने से अच्छा आप प्रैक्टिस करो. रोज पढ़ाई करते वक्त भी आप कुछ कुछ कैलकुलेशन माइंड में ही कर लो. जैसे आपको 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल निकालना है
तो आप फटाफट माइंड में कर सकते हो 10 × 9 × 8 × 8 × 8 कट गया, माइंड में ही कर लिया, तो 10 × 9 = 90। तो ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, एंड कॉन्फिडेंस एक दिन में अचानक नहीं बढ़ जाएगा, वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। हाँ सर, मैं क्लास में भी देखता हूँ, मतलब सर कोई प्रॉब्लम देते हैं तो सब बच्चे तो पट से आंसर दे देते हैं, हमारा पीछे रह जाता है, लेकिन आंसर तो आता है बाद में इवेंचुअली। बस ठीक है, वो प्रॉब्लम तो आपकी कोई किसी और से कंपटीशन तो नहीं है, आप अपने स्पीड से जो बेस्ट कर सकते हो वो करो, एंड डेफिनेटली कोई और आपसे कोई चीज में अच्छा है तो आप भी किसी और से कोई चीज में अच्छे हो, तो उसके कारण डीमोटिवेट नहीं होना है, रेदर जैसे शर्मा सर ने स्टार्टिंग में बताया था, आपने ऐसे लोगों को देखकर इंस्पायर होना है कि अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी क्यों नहीं कर सकते, यू जस्ट नीड टू फाइंड द रीजन। ठीक है, तो आपका माइंडसेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो कर सकता है तो उसको देख करके खुश होना है आपको, इंस्पायर होना है। हाँ सर, मेरा एक और प्रॉब्लम है, मैं इधर मतलब नागपुर में क्लासेस में हॉस्टलाइज था, मैं इधर रूरल एरिया से हूँ, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से, तो इधर वैसा मेरा गांव में एटमॉस्फेयर नहीं रहता पढ़ाई का ज्यादा, मतलब वो कैसे मेंटेन करे। आपके आसपास जो है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अंदर क्या है। ठीक है, व्हाट इज अराउंड यू, व्हाट इज अबव यू, व्हाट इज बिलो यू, व्हाट इज इन फ्रंट ऑफ यू आर ऑल स्मॉल एज कंपेयर टू व्हाट इज विद इन यू। तो कोई ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी छोटे से गांव से इतना बड़ा स्टार क्रिएट हुआ, तो अगर महेंद्र सिंह धोनी भी बोलते थे हमारे झारखंड से तो आज तक इतना बड़ा कोई क्रिकेटर नहीं आया, मैं कैसे बनूंगा, तो ही वुड हैव आल्सो नॉट गॉट एनीवेयर। तो आपको सोचना होगा, मेरा जो फ्रेंड है अमन जुनेजा, वो उसके गाँव से पहला सीए बना, पांडरकोड़ा से वो पहला सीए बना, उसको देख करके उसके बाद भले ही 10-15 लोग सीए बन चुके हैं। हाँ सर, मेरे गांव से और कोई नहीं, तो आप पहले से ये बन जाओगे, इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी। शर्मा सर, आप भी एक बार आपकी स्टोरी बताइए सर, आपके लाइफ में भी तो आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़े हैं, तो उस समय भी तो बहुत डिस्करेजमेंट रहता होगा। सर म्यूट ऑफ करके बताइए सर। हेलो हेलो, यस सर, आवाज आ रही। ये तो मैं आप लोगों की जो एडवाइसेस सुन रहा था बहुत अच्छी है, पर हर एक को एक चीज ध्यान में रखने का है कि आप अपने हिसाब से चीजों को देखिए, एवरी पर्सन इज यूनिक इन इटसेल्फ ना, हर कोई अपने आप में अलग है, आपकी कुछ वीकनेसेस है तो आपकी कुछ स्ट्रेंथ भी होंगी, उनको आप ध्यान में रखिए और अपने अचीवमेंट के लिए जो भी आपने टारगेट बनाया उसके लिए बस एफर्ट्स करिए, काम करते जाइए। जैसे मैं भी हिंदी मीडियम से था तो मुझे इंग्लिश मीडियम शुरुआत में बहुत डिफिकल्ट लगा, लेकिन मैंने उसको अपने दिमाग पे हावी नहीं होने दिया, मैंने एफर्ट्स करता रहा और अपने आप वो चीजें इम्प्रूव होते जाती है। मुझे ऐसा लगता है बार बार आप अपने आप को चेक भी मत करिए, जैसे कई बार होता है कि अपन थोड़ा पढ़ते हैं और फिर कोशिश करते हैं ये टेस्ट करने की कि अपने को कितना रिकॉल हो रहा है, कितना अपनी मेमोरी में आया है, तो मुझे लगता है ऐसा बार बार टेस्टिंग करने में भी कई बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, उन्हें लगता है मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो उसकी बजाय आप एफर्ट्स करते जाइए, पढ़ते जाइए, एक बार पढ़ना हो गया फिर रिवीजन करिए, दूसरी बार करिए, तीसरी बार करिए, और टेस्ट वगैरह अगर होती है आपकी वो टेस्ट दीजिए, तब उसमें परफॉर्मेंस देखिए। बार बार आप हर चीज को थोड़ा सा पढ़ के टेस्ट करने की कोशिश भी मत करिए, खास करके जो बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं। मैं खुद कभी भी पढ़ते समय अपनी टेस्टिंग बिल्कुल नहीं करता था, मैं बस जो मेरा कोर्स है, और जैसे मैं ज्यादातर आप लोग जो बता रहे थे, मैं तो एक समय में एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, चाहे प्रैक्टिकल हो चाहे थ्योरी, मैं कभी भी मल्टीपल सब्जेक्ट एग्जाम के पहले पढ़ा नहीं। तो मान लीजिए कि 3 महीने का टाइम है तो मैं उसको डिवाइड कर लूंगा कि पहले 2 महीने में मुझे डिटेल में पढ़ना है हर एक सब्जेक्ट। अब डिटेल में भी पढ़ने पे मुझे असेस करना पड़ेगा, किसी सब्जेक्ट में मुझे 15 दिन देना है, किसी में 10 दिन देना है, वो मुझे अपने लेवल के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से दोनों चीज को ध्यान में रख के करना है। उसके बाद मैं उसको पढ़ते जाऊंगा और हो सकता है टारगेट में थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा, एक आध दिन आगे पीछे होगा। मैं कोशिश यह करता था कि जो 2 महीने में मैंने पूरे सब्जेक्ट डिटेल में पढ़े
नेक्स्ट टाइम उसी को रिवाइज करूंगा। जैसे यश ने भी बोला वो नोट्स बनाता था, बहुत अच्छी बात है नोट्स बना लीजिए। मैं क्या करता था कि जो मटेरियल पढ़ता था बुक, उसी को मैं इम्पोर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर देता था। मैं अलग से तो नहीं लिखता था और उसको अंडरलाइन कर देता था, तो सेकेंड रिविजन में ऑटोमेटिकली उस पर ध्यान जाता है। उसके बाद एग्जाम के पहले के हफ्ते भर को अलग लो, उसमें रिवीजन करते समय जो आपका फर्स्ट पेपर है उसको मैं एग्जाम के पहले के एक दो दिन देता था, और इस टाइप से प्लानिंग करके मैं एक समय में एक सब्जेक्ट पढ़ता था। अगर एक दिन एक सब्जेक्ट के लिए दिया तो पूरा दिन वही पढ़ूंगा, इंक्लूडिंग थ्योरी पेपर। और ये जो रहता है ना कि अपन थ्योरी में बोर हो रहा है, ये अपने माइंड सेट पे है एक्चुअली, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव रहता नहीं था। मेरे पास उतना ही समय है, उसमें पढ़ना है और एग्जाम देना है, देयर इज नो चॉइस। एग्जाम पोस्टपोन करना नहीं है, कोई चॉइस है नहीं, और कोशिश ये करना है कि हम अच्छा रिजल्ट लाए। तो डेफिनेटली आपका मन लगेगा, और थ्योरी पेपर हो या प्रैक्टिकल, आपको उसमें अच्छा लग रहा है ये फीलिंग लाओ ही मत ना, वो आपके लिए जरूरी है ये ला लो, इट इज रिक्वायर्ड, इसलिए आप पढ़ रहे हो। और फिर आपके हिसाब से है, आपको एक दिन में अगर दो तीन सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो आप प्लान कर सकते हो, बट हाँ एक दिन में पूरे 8 सब्जेक्ट पढ़ना वो शायद मैं भी नहीं एडवाइस करूंगा कि हर एक के लिए एक एक दो दो घंटे एलोकेट करना, मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। हाँ जब आपकी रेगुलर पढ़ाई चल रही है, क्लासेस चल रही है, तो जितने सब्जेक्ट की क्लास चल रही है उतने पूरे पढ़ना है। लेकिन जब आप एग्जाम के पहले सेल्फ स्टडी करते हो तो आप या तो दो तीन सब्जेक्ट को एट ए टाइम लो, या फिर जैसे मैं करता था एट ए टाइम 1 सब्जेक्ट, उसको पूरा डिटेल में पढ़ के दूसरा तीसरा, बट हाँ टाइम को थोड़ा सा मोटा मोटा प्लान करना जरूरी है कि मेरा एक फुल रीडिंग भी हो फिर उसके बाद रिवीजन भी हो, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग 7 बजे तक के ही सोचे थे, अभी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो लास्ट क्वेश्चन कौन कह रहा है? सर ईशा। यस ईशा। कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? सर हम पढ़ते कुछ है और करते कुछ हो ही जाता, अलग ही हो जाता कुछ। यश और नीरज सर आप लोग ने बहुत देर से नहीं बोला। राइट, सो जैसे नीरज सर ने बताया राइट कि मेडिटेशन, तो आई मैं जब मैं पढ़ता था तो एग्जाम के एटलीस्ट 3 महीने पहले से मैं रोज मेडिटेशन करता था। तो स्टार्टिंग में ज्यादा करता था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब टेम्पो बनने के लिए ज्यादा, तो स्टार्टिंग में आई यूज टू मेडिटेट 40-45 मिनट्स एवरी डे। सर जैसे जैसे एग्जाम पास आती है वो थोड़ा थोड़ा कम करते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी बढ़ती है राइट। तो आई थिंक यू शुड सीरियसली टेक मेडिटेशन, और मेडिटेशन, और मैं हर चीज के लिए मैं जो भी बोल रहा हूँ तो आपने शायद नोटिस किया होगा, मैं बोल रहा हूँ एक पेपर चिपका दो वॉल पे 1 से 30 तक लिख के, और टिक करो मैंने कौन से दिन किया। अगर ये नहीं करोगे तो कोई भी चीज की हैबिट बनाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो एक पेपर है चिपका दो, जितनी हैबिट्स बनाना है उतने पेपर रहने चाहिए वॉल पे, या मोबाइल आ गया तो स्टिकी नोट्स बना लो राइट। तो फर्स्ट इज मेडिटेशन एंड सेकंड इज समरी, लाइक यू नीड टू हाईलाइट या समरी, आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी समरी बनाते आने चाहिए। अगर आप समरी नहीं बना पा रहे हो मतलब आप नहीं समझे, इट्स वेरी वेरी सिंपल। अगर 10 लाइन पढ़ा है, अगर उसकी आप समरी 2 या 3 लाइन में नहीं बना पा रहे हो, इसका मतलब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। तो इसकी हैबिट बना लो, तो ऑटोमेटिकली जब आप आगे पढ़ोगे, तो अगर आपने लेट्स से 4 लेसन के साथ ये कर लिया, तो 5th लेसन से आपको जरूरी नहीं है हर चीज की समरी बनानी पड़ेगी, बट आपका पढ़ने का स्टाइल ही बदल जाएगा। देखो यू कैन आइडेंटिफाई, उससे 2 चीजें होती है, एक है कि हमारा फोकस नहीं लग रहा है, तो उसका रीजन एक है कि हमारा स्ट्रॉन्ग गोल नहीं होता कि हमें पढ़ना है या ये चैप्टर कंप्लीट करना इतनी देर में। अगर ऐसा गोल हो कि 1 घंटे में मैं ट्राई करूंगी या करूंगा ये चैप्टर पढ़ने का, तो हो जाएगा। दूसरा रीजन ये होता है कि आपको कहीं ना कहीं वो चैप्टर समझा नहीं है, इसलिए दिमाग ना वहां रुकने को नहीं देख रहा है, क्योंकि उसे पता है अभी तक के कुछ नहीं समझा तो आगे तो वेस्ट है। तो आइडेंटिफाई करो, नहीं समझा होगा तो पढ़ लो, गोल नहीं बनाया होगा तो जैसे यश ने कहा वो टिक करो। वैसे मैं भी टिक करता था आवर्स का चार्ट बना के, या इतनी देर मुझे ये चैप्टर्स कब पढ़ना है सॉर्ट ऑफ, तो उससे भी हो जाएगा। बट इनिशियली थोड़ा मेडिटेशन रहेगा तो इट विल कैरी यू टिल द एंड, तो ना उससे भी आपका एक्चुअली में फोकस का पावर बढ़ता है,
ज्यादा नहीं 5-10 मिनट दिया, जैसे शर्मा सर ने कहा मेडिटेशन थोड़ा डिफिकल्टी है, इसमें मैं भी मानता हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ मैं, तो थोड़ा प्राणायाम करो। प्राणायाम में ना जो इनहेल एक्सहेल वाला होता है तो उससे काफी अपना बैलेंस आ जाता है माइंड में बॉडी में, तो द थिंग इज माइंड थोड़ा फ्रेश लगता है उससे, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो, नहीं मेडिटेशन तो प्राणायाम कोई भी एक चीज। थैंक यू सर। ओके सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड द सेशन। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू गिव द कंक्लूडिंग रिमार्क्स। सो आई थिंक वी कैन स्टार्ट विद यश। मैं वापस एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स में एक ही चीज बोलूंगा, अभी सेशन खत्म होते से जस्ट टेक 5 मिनट्स, 5 पॉइंट लिख लो और 5 पेजेस चिपका दो आपके दीवार पे, एंड जस्ट सी कि आप क्या चीज कर रहे हो क्या चीज नहीं कर रहे हो, देन आपके जो 2 घंटे आपने इन्वेस्ट किए दैट विल बी लाइक फ्रूटफुल। जस्ट लिस्ट डाउन एनी 5 थिंग्स दैट यू वॉन्ट, लाइक हम नहीं बताएंगे कि कौन सी 5 चीज लिखो, जो सबसे अच्छी 5 चीज लगी है वो लिख दो एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट। ये तो पक्का नोट करो 5 चीजें, क्योंकि ना नहीं तो सेशन पूरा वेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको लाइफ में आगे भी दिक्कत जाती है तो ना ये वीडियोस में मत ढूंढो कि यार इस प्रॉब्लम का सलूशन कौन बताएगा, पवन सर बताएंगे कि यश सर बताएंगे कि संदीप सर बताएंगे। आप ना ये सोचो कि आप आज के सेशन से ये भी चीज सीखो कि यार हर प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों ने हर टाइम पे निकाला है ना। जितने भी लोगों ने आपसे बात किया सबने अपने अपने टाइम पे उस प्रॉब्लम का कोई ना कोई तरीके से सोल्यूशन ढूंढा है। तो लर्न दैट एटीट्यूड कि यार हमें लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो हम उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। तो ये भी जरूर देखना एंड में कि आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा, आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ या मन में ठान लो कि आगे जब भी प्रॉब्लम आएगा आई एम गोइंग टू फाइंड सोल्यूशन फॉर इट, है ना। यूट्यूब पे नहीं, खुद के अंदर से कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढने का ट्राई करेंगे। वंडरफुल, सो इट वॉज अमेजिंग टू हैव यू ऑल हियर। अभी तक के काफी स्टूडेंट्स बचे रहे एंड ये आप लोग इतने इंटरेस्ट से सुन रहे हैं, सो इट गिव्स अस ऑल द मोर मोटिवेशन टू कंटिन्यू डूइंग दिस। हम लोग ऐसे सेशंस आगे भी और रखेंगे आप लोगों के लिए। आप अपनी पढ़ाई को एक्शन ओरिएंटेड बना लो, बहुत ज्यादा विशफुल नहीं, आप सोचो और लेकिन करो, प्लान करो, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान एंड इवेंचुअली आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी कॉम्पिटिशन और किसी से नहीं, अपने आप से है। जस्ट कीप बिकमिंग बेटर बिट बाय बिट एवरी डे, कीप टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम, कीप स्माइलिंग, कीप एंजॉइंग योर स्टडीज and as of now stay home and stay safe. So thank you friends, bye bye bye. Thank you friends. Sir I think we can continue in the next session then. Abhi we have run out of time. Okay sir, thank you. Thank you so much sir. Thank you sir. Thanks a lot, sir. Welcome. Okay. Thank you so much, sir. आप लोग आपका फीडबैक भी हमको भेज सकते हैं, आपको जैसा भी लगा, आपके आगे के सेशन में क्या रिक्वायरमेंट है, आप बिल्कुल कम्युनिकेट कीजिए। ओके सर। नीरज सर, यू कैन एंड द मीटिंग सर। यस।